हरी हरी बोल। हम लोग सबसे पहले हमारे परम पूजनीय श्री रोहि नंदन प्रभु जी से बड़े मधुर कंठ में हारमोनियम के साथ श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का विरह पद जय अनिलो प्रेम दान, इसको हम लोग सुनेंगे। प्रभु जी आप स्टार्ट कीजिए। Thank you.
हरे कृष्णा। हम लोगों ने पूज्यपाद श्री रोहिणीनंदन प्रभु जी से उनके बड़े ही मधुर सुरीले कंठ में जय नीलो प्रेम दन इस कीर्तन को हम लोगों ने श्रवण किया। और अब हम श्री रोहिणीनंदन प्रभु जी से गुरुदेव के बारे में मधुर मधुर जो उनकी स्मृतियां उसके बारे में सुनेंगे। रोहिणीनंदन प्रभु जी को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी जो हैं इस्कॉन में जुड़े और वहां के इस्कॉन यूथ फोरम में तहलका मचा दी और बहुत लोगों को ब्रह्मचारी बनाए, जोड़ा, वहां पर प्रोत्साहन दिया, प्रेरणा दी। फिर उसके बाद गुरुदेव के पास आए और इतने सुंदर रूप से प्रचार प्रसार अब तक भी सब प्रकार से कर रहे हैं पूरे दिल्ली, और यहाँ तक भी टीवी में प्रभु जी जो है लगातार जो है आते रहे हैं आनंद की खोज कार्यक्रम में, और बहुत पूरे भारत में ही नहीं विश्व भर में सबको उन्होंने प्रेरणा दिया है इसमें। और प्रभु जी बड़ा मतलब एक पैशनेट प्रीचर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रीचर है प्रभु जी, और जिसको मतलब जिसके ऊपर ये मतलब दृष्टि डालते हैं वो निश्चित रूप से वो ब्रह्मचारी बन ही जाता है। मठ में जितने हैं हमारे अमल प्रभु से लेके, हमारे सुंदर गोपाल प्रभु से लेके, हमारे प्राण कृष्ण जी, पुंडलिक प्रभु और भी जितने, सब प्रभु जी ने ही लाया है। और प्रभु जी बहुत बड़े एक बिजनेसमैन भी हैं और फिलहाल इस समय वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं। देखिएगा वृंदावन में बिल्कुल सब कुछ लगभग छोड़ के बस संन्यास का रह गया प्रभु जी, बस संन्यास की रह गई ये चीज, बस वो भी हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा चीज है। और बस प्रभु जी देखो पत्नी के साथ भी नहीं रहते, पत्नी वो अलग, ये अलग, बिल्कुल वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं और दिन रात लाख नाम जो हैं जापते हैं, परिक्रमा देते हैं और श्री गुरुदेव के जो ग्रंथ हैं बिल्कुल उसके अध्ययन में प्रभु जी डूबे रहते हैं। और श्री गुरुदेव का इन्होंने बहुत संग किया, विशेष करके जो मॉर्निंग वॉक जाते थे बड़ी सुंदर सुंदर बातें पूछते थे प्रभु जी गुरुदेव से। तो हम लोगों का सौभाग्य है आज हम लोगों के साथ पूजनीय श्रीपाद श्री रोहिणीनंदन प्रभु जी हैं और हम इनसे गुरुदेव के साथ इनकी जो संबंध है वो सुनना चाहते हैं। प्रभु जी आप कैसे मतलब इस्कॉन का बैकग्राउंड कैसा था, वहाँ यूथ फोरम में कैसी थी, फिर वहां से
गुरुदेव का दर्शन कब हुआ, क्या प्रेरणा मिली, और वहां से यहाँ आना बहुत ही मतलब कि मुश्किल बात होती होगी, है ना? क्योंकि वहां जैसा मतलब वहां बिल्कुल कि प्रचार वाला मोड था वहां पर, यहाँ भजनानंदी वाला मोड है। थोड़ा इस चीज को समझ पाना और एडजस्ट कर लेना, ये सब चीज बड़ा ही मतलब डिफिकल्ट होता है। तो वो थोड़ा आप किस प्रकार से मतलब यहाँ आना हुआ, गुरुदेव से क्या प्रभाव किया, क्या शिक्षाएं प्राप्त की, थोड़ा या मतलब स्टार्ट कीजिएगा, फिर धीरे धीरे जहां जहां पूछना होगा मैं पूछ लूंगा बीच बीच में आपसे। हाँ, शुरू करें प्रभु जी। थोड़ा सा साउंड जो है वो विजय प्रभु साउंड ना थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रहा है, इको आ रही है थोड़ी सी, क्लियर नहीं आवाज। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य हाँ ये मेरा ठीक है। प्रभु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत परिव्राजिकाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए आप सब भक्त लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं उनके नतमस्तक हूँ। और खासकर विजय कृष्ण प्रभु जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया आने के लिए और मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ बोल पाऊं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो उनकी भावनाएं हैं वहां तक मैं पहुंच सकूं। उन्होंने मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, मैं ऐसे इतना ऊंची बातें जो उन्होंने करी हैं मैं ऐसे नहीं हूं। हाँ, इनका जो प्रश्न का उत्तर मैं शुरू करता हूं कि इस्कॉन में हमने यूथ फोरम चलाया था, हमारे कुछ गुरु भाइयों ने मिलके भी, और जो बढ़ते बढ़ते आज बहुत बड़ा हो गया। ये प्रभुपाद स्वामी जी की कृपा है, हम कोई करने वाले नहीं होते। मैं जब गुरुदेव के पास पहली बारी आया तो बहुत अहंकार में था। मेरे को ये था कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, मुझे बहुत श्लोक आते हैं, तो मुझे कौन समझ सकता है। ऐसी भावना लेके हम प्रचार कर रहे हैं। तो गुरुदेव के बारे में मैंने सुना था और हमारे कुछ गुरु भाई गुरुदेव के पास आ भी जा रहे थे। तो मैं देखना चाहता था गुरुदेव के पास ऐसी क्या चीज है। मैं कुछ देखने आया था, कुछ गलती खोजने आया था। मैं गुरुदेव के पास एक दिन सुबह जब मैं पहुंचा हूं तो गुरुदेव जाग कर रहे थे। दिल्ली की बात है, किसी ने गुरुदेव को ये बोल दिया था पहले ही कि ये बहुत प्रचार करता है इस कौन में। तो गुरुदेव ने मेरे पे खास ध्यान दिया और ये उनकी सच में बहुत कृपा है कि उन्होंने मेरे पे इतना ध्यान दिया, नहीं तो मेरे जैसा अहंकारी व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता था। मैं जब गुरुदेव के पास पहुंचा उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, तुम महामंत्र जाप कर रहे हो। मैंने मन में सोचा ये कौन सा प्रश्न है, मैं महामंत्र जाप कर रहा हूं कि मेरे पास थैला उसमें जाप की थैली है तो ये प्रश्न। फिर मैं मन में सोच रहा हूँ ये क्या प्रश्न है, ये तो बहुत बड़े संत हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा क्या जाप करते हो। मैंने कहा ये भी दूसरा प्रश्न कोई अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने कहा जी महामंत्र का जाप करता। तो उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, अच्छा महामंत्र क्या है। फिर मैंने मन में तो सोच रहा हूं कि ये कौन से प्रश्न है। मैंने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा तो तुम कृष्ण को बुला रहे हो, पुकार रहे हो। ने कहा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, हाँ हम कर रहे हैं। अच्छा कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा चौंक गया, कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं ये तो हमने कभी सोचा नहीं, हम उनको पुकार रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ये सोचा ही नहीं हमने। तो यहां से मेरे हृदय में एक ऐसी बात आई कि ये व्यक्ति कुछ ज्यादा जानता है मुझसे। फिर उन्होंने ये जो प्रश्न पूछा तो यहां से शुरू होता है एक गुरु संबंध देता है। उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे पास आए हो, घर में तुम्हारे माँ भी है, पिताजी हैं, आपके घर के लोग होंगे, तो आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो क्योंकि आपका संबंध है उनसे।
तो आपको ये नहीं पता कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, आपका क्या संबंध है? आप तो कह रहे हो आपने कब से जाप कर रहे हो। मैंने कहा महाराज मैं 8 साल से जाप कर रहा हूं। 8 साल से जाप कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता था कृष्ण क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न कभी मन में आया ही नहीं। तो यहां से मेरे हृदय में आया कि ये गुरु हैं और ये संबंध देते हैं अपना, हमारा संबंध भगवान से क्या है। यहां से मैंने अपने आप को गुरुदेव के प्रति आकर्षित होके शरणागति लेनी शुरू करी। और गुरुदेव ने खास मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार मुझे ही पूछते थे कोई प्रश्न है तुम्हारा, कोई प्रश्न है। यहां से ये प्रश्न का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ, क्योंकि गुरुदेव के आने से पहले मैं जब इस्कॉन में था, हालांकि ये एक लंबी कथा हो जाएगी कि मैं पुस्तक भी लेना नहीं चाहता था। कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मुझे फ्री की पुस्तकें देने की कोशिश करी, मैंने वो भी नहीं ली कि हम संतों से लेते नहीं ना हम पैसे देंगे। वो दे के जाने लगा तब हमने पैसे दिए और वो प्रभुपाद की वो पुस्तकें मेरे हाथ में तो आई, जो कि 1 साल भर नहीं पढ़ी थी मैंने। और जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि प्रभुपाद की सारी पुस्तकों में प्रश्न उत्तर हो रहे, ज्यादातर पुस्तकें प्रश्न उत्तर में चल रही, और मुझे बड़ा अच्छा लगता। इतने प्रश्न, इतने उत्तर, प्रश्न उत्तर, कभी भी मैं घंटों पढ़ते रहता था उसको, एक एक पुस्तक को बहुत बारी पढ़ता था। फिर मेरे मन में आया कि क्या ऐसा कोई गुरु के प्रभुपाद तो तब थे नहीं। तो मैं 1986 में जब भी मैं कॉलेज पार भी नहीं किया था तो मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा था, तब मैंने एक हृदय में आया कि क्या मुझे ऐसा कोई गुरु मिल सकता है जिसको मैं प्रश्न करूंगा वो मुझे उत्तर देगा। वही चीज जो मैंने प्रभुपाद पुस्तकों में उस समय सोची थी, आज 10 साल के बाद 1995 में मैं गुरुदेव से जब मिला तो वो प्रश्न उत्तर का सिलसिला, एक जैसे लग रहा था कि गुरुदेव इंतजार ही कर रहे हैं। मेरे से पहले मैंने देखा नहीं गुरुदेव से कोई प्रश्न करता था, कोई प्रश्न नहीं करता था। चलते चलते जब ये प्रश्न का सिलसिला शुरू हुआ तब लोग आने भी शुरू हुए, तो ये प्रश्न जो सिलसिला शुरू हुआ था ये उस पुस्तकों से, जो स्वामी प्रभुपाद की पुस्तकें जो प्रश्न उत्तर के रूप में थी, वो मैंने गुरुदेव को वही समझ लिया कि ये मुझे वो प्रश्न वो पुस्तक से निकल के वो गुरु सामने आ गया मेरे, ये मेरे हृदय में एक ऐसी आने लगी। तो यहां से एक संबंध गुरुदेव का मेरे साथ, जो मैंने कई जन्मों से होगा या क्या, कितना गुरु तत्व उन्होंने मुझे दिया मैं ये कह नहीं सकता हूं। हर बार वो गुरु तत्व के ऊपर पूछते थे, दीक्षा क्या है, दिव्य ज्ञान, ती क्ष मतलब पापों का अंत। यहां से उन्होंने शुरू करा और बोला कि दीक्षा जिस तरह एक व्यक्ति के हृदय को बदलती है, ये एक सिर्फ आग में आहुति देना या जनेब डालना नहीं है। यहां से उन्होंने भागवतीय परंपरा की बात शुरू करी कि हम तुम्हारी दीक्षा को और गाढ़ा बना देंगे। हमारे में ये था कि हम कहीं गुरु तो नहीं छोड़ देंगे, हम जहां पे कई दीक्षा ले लिए। तो मेरा नाम रखा गया जब मेरी दीक्षा हुई, मैं आज भी अपने पथ पर दर्शक और इस्कॉन जो स्वामी प्रभुपाद के मैं समझता हूं कि उनकी ऐसी देन और जो आज जो प्रचार हो रहा है उनका ये एक ऐसी देन है इस कलयुग में कि हम कभी भी उसका पार नहीं पा सकते हैं। शत शत नमन है कि उन्होंने हमें गुरुदेव को पहचानने में इतना हमें गुण दिए। तो यहाँ पे मैंने ये देखा है कि गुरुदेव ने उस दीक्षा की जो बात करी, उन्होंने जब मेरा नाम दीक्षा के समय पे वहां पे रखा गया रोहिणी सूत दास, वहीं पे ही मेरे ये बात मैं उससे भी 10 साल पहले की जब कर रहा हूं, जब गुरुदेव से मिला मेरे मन में आया मेरा नाम रोहिणी नंदन होना चाहिए। अब पता नहीं ये कैसे आया मेरे मन में। और जब मैं गुरुदेव से जब मिलना शुरू हुआ तो गुरुदेव ने मुझे एक दिन चलते हुए मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, मैं तुम्हारा नाम बदलना चाहता हूँ। मैंने कहा महाराज आप बदलिए, क्या मैं बदल दूं, तुमको अच्छा लगेगा? मैंने कहा हाँ महाराज आप बदल दीजिए, जैसे भी आप रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा मैं सूत मुझे इतना अच्छा नहीं भा रहा है, मैं तुम्हारा नाम रोहिणी नंदन रखता हूँ। मैंने कहा महाराज ठीक है, मेरा नाम उन्होंने रोहिणी नंदन चलते चलते दिया। और ये उनका एक अपना अपना पंथ है जो उन्होंने खुद मुझे कहा कि मैं तुम्हें ये नाम दूंगा। ये गुरुदेव की बड़ी कृपा है। और गुरु तत्व इतना समय तो मुझे नहीं पता कि इतना है या नहीं, कि गुरु तत्व जिस तरह उन्होंने मुझे समझाया,
आज मुझे कोई भी ऐसा प्रश्न जो गुरुदेव ने इतने प्रश्न के उत्तर और खुद प्रश्न करना और फिर उत्तर देना, ये मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कृपालु गुरु हो सकता है जिन्होंने गुरु तत्व के ऊपर इतना कुछ मुझे दिया। और कभी कभी मुझे लज्जा शर्म भी आती है, मैं इस बात को अगर मैं करूँ ना तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी बढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको नहीं करूंगा तो ये हमेशा के लिए छूट जाएगी बात। एक दिन, और गुरुदेव चाहते थे कि मैं हर बार कोई विद्युत सभा है तो मुझे खास बुलाते थे, तो गुरुदेव ने कहा कि देखो तुम गोवर्धन आना, मैंने एक विद्युत सभा आयोजित करी है, मथुरा के बड़े बड़े विद्वान भी आ रहे हैं, पूरे ब्रज के आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ तुम वहां रहना। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं पक्का आऊंगा। गुरुदेव गोवर्धन पे थे और वो दिन विद्युत सभा का शुरू हो चुका था और मैं दिल्ली से चला। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में चला, मेरे साथ एक मेरा गुरु भाई भी बैठा। हम लगभग ब्रज में जब आ गए तो जहां पे किसी ट्रक ने हमारे को, या कोई इतनी बड़ी गाड़ी जो ट्रक था हमने देखा ही नहीं, बहुत जोर से मेरी गाड़ी को लगी और मेरी गाड़ी उलटते हुए उस हाईवे से उतर गई, क्योंकि पहले छोटा हाईवे होता था, वो नीचे खेत में चली गई कम से कम 10-8 फुट नीचे, और मेरे मुख से निकला कृष्णा। मैंने जोर से चिल्लाया, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरा हैंडल मेरे हाथ में, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या। अब इसमें मैं फिर मथुरा गया गाड़ी ठीक कराने, क्योंकि गाड़ी चल नहीं पा रही थी, पर फिर भी गुरुदेव की क्या कृपा थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने पर भी गाड़ी स्टार्ट हो गई और चलने लगी। हम सीधा मथुरा गए क्योंकि गाड़ी चल ही नहीं सकती थी ज्यादा, वहां पे मैंने गाड़ी ठीक कराई, मैं ले। अगले दिन जब गुरुदेव सुबह शहर पे निकले तो मैं गुरुदेव के सामने आया, तो गुरुदेव ने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम क्यों नहीं आए कल, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। मैंने कहा महाराज कल तो हम बाल बाल बच गए, हमारी तो मृत्यु निश्चित थी, हमारी गाड़ी हाईवे में किसी ट्रक ने मारा, क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला और हम गिर गए। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरे मुख से ना कृष्णा निकला और आप तो राधा दास्यम सिखा रहे हैं, मेरे मुख से राधा जी का नहीं निकला। तो गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे, तो गुरुदेव ने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, भक्तों को कुछ नहीं होता। ये सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा, गुरुदेव ने उस श्रेणी में डाला कि मैं भक्त हूं, तो भक्तों को कुछ अकस्मात मृत्यु नहीं होती, ये गुरुदेव के शब्द थे, अकस्मात उसकी मृत्यु नहीं होती है। फिर गुरुदेव ने इस बात को कभी किसी को नहीं बोला था, यहाँ तक कि उनके निजी सेवक बोलते ये आपने कभी पहले बताया ही नहीं हमें गुरुदेव। गुरुदेव ने कथा बोली, उन्होंने बोला कि देखो मैं भी ना आज से कोई 40 साल पहले अपने गुरुदेव के कहने पे प्रचार करने मद्रास में था, साउथ इंडिया में, और मैं एक ट्रेन में जा रहा था, रात का समय था, पूरे सब लोग सो रहे थे, मैं जाप कर रहा था, और जब मैं उस एक ब्रिज आया जिसके नीचे बहुत बड़ी नदी थी, और जब वो ट्रेन उस नदी पे, ये सारे लोग सुन रहे हैं, अभी ये बात किसी ने भी कभी नहीं सुनी थी पहले, क्योंकि मुझे पता तब चला जब उनके बड़े निजी सेवक ने बोला गुरुदेव आपने पहले कभी नहीं बताया। तो गुरुदेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि जब वो ट्रेन अचानक उस ब्रिज के ऊपर पहुंची तो वो ट्रेन पटरी से उतर गई और वो सारी ट्रेन के सारे लोग मर गए। आगे का हिस्सा वो नीचे लटक गया जो ब्रिज की था, और पीछे का भी ब्रिज के नीचे चला गया, सिर्फ मेरा डब्बा वहां है, और मेरी वजह से जितने मेरी बोगी के लोग थे वो बच गए। इस लड़के की मृत्यु आनी थी, जो मेरे साथ चल रहा था, जो हमारा गुरु भाई भी था, इसकी मृत्यु आनी थी, वो बच गई तुम्हारी वजह से। मैंने मेरे को शर्म आ रही थी कि मेरी वजह से पूरी बोगी बच थी, तो मृत्यु अकस्मात मृत्यु नहीं आई। सब लोग सुन रहे, बड़ी शक्ति की गुरुदेव से सामने पूरी बढ़ाई,
लेकिन गुरुदेव की एक खास कृपा थी मेरे पे कि वो हमेशा ही मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे। मुझे याद है मैं गोवर्धन पे था, प्रचारक हैं जी हम, तो एक गुरुदेव के अपने भक्त वो मेरे कमरे में आए, बोला कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, गुरुदेव की मसाज चल रही है तुम आओ। मैंने मन में सोचा मसाज, मैं तो प्रचारक हूँ मसाज क्या करूंगा। फिर भी वो मुझे लेके चला गया, वो मुझे खींच के लेके जा रहा है। मैंने कहा जी चलते हैं। अब जब मैं वहां पे गुरुदेव के कमरे में पहुंचा तो गुरुदेव ने मुझे देखा और मुस्कुराए और गुरुदेव मुझे कहते हैं अरे किस लिए आए हो तुम अभी। मैंने कहा महाराज आपकी मालिश करूंगा मैं। कहते अरे ये मालिश वालिश छोड़ो तुम, ये तो मैं किसी भी भक्त को पकड़ के अनपढ़ को भी पकड़ के करवा सकता हूँ मालिश, मैं चाहता हूं कि तुम प्रचार करो। मैं भी मन में सोच रहा था गुरुदेव ठीक कह रहे हैं, ये नहीं पता कि वो मेरे को जानते हैं मेरे हृदय में क्या है। उस दिन मैंने मालिश नहीं करी और मैं यही सोचते रह गया कि हाँ मालिश थोड़ा करनी है, मैंने तो प्रचारक बनना है, मैं गुरुदेव का प्रचारक प्रचार करूंगा। तब गुरुदेव ने मुझे अगले दिन फिर वही बात हुई, मेरा मन अपने आप उछल रहा था कि मैंने गुरुदेव का मालिश करूंगा। तो मैं जब गुरुदेव के पास पहुंचा ये सोच के हृदय से कि मैंने आज मालिश करनी है, तो गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, उसके बाद अपना एक पूरी लात मुझे दे दिया। हरे कृष्णा विजय प्रभु, साउंड डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। हरे कृष्णा, जुड़ जाएंगे रोहिणी प्रभु, अभी थोड़ा सा वो ना सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है, ये वृंदावन में बड़ी समस्या है सिग्नल को लेकर के। बस ये अभी जस्ट दो मिनट में रोहिणी प्रभु फिर जुड़ जाएंगे, वो थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है और वीडियो भी हमने तभी फिर बंद किया, फिर साउंड भी नहीं आ रहा ढंग की, तो ये समस्या तो है। रोहिणी प्रभु हम लोगों को बतला रहे थे कि किस प्रकार से वो गुरुदेव की विद्वत सभा हो रही थी, ये 2007 की बात है, ये गोवर्धन में गुरुदेव ने विद्वत सभा की, आप लोगों ने सुना होगा, मधु दीदी और सपना दीदी ने उस समय किया था भागवत गोवर्धन में, तो मधु दीदी भी इस बात को सुना रही थी कि उसी दौरान गुरुदेव ने कहा था मधु दीदी को कि एक विद्वत सभा रखनी है, मधु दीदी ने भी कहा रखना है, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। तब उस समय जो है बहुत ही सुंदर विद्वत सभा रखा, मैं भी था उसमें, और सारे व्रज के जो मूर्धन्य जो विद्वान लोग थे सब वहां पर उपस्थित थे, और हाँ एक मिनट रोहिणी प्रभु जुड़ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस वॉइस ठीक है, वीडियो ठीक है अभी? हाँ वीडियो भी ठीक है, वॉइस भी, बोलिए अभी, बोलिए प्रभु जी। हाँ हाँ तो वॉइस भी ठीक है अभी, और सिग्नल प्रॉब्लम है प्रभु जी, सिग्नल प्रॉब्लम जो ना वॉइस और वीडियो में तो प्रॉब्लम हो जाता, कोई बात नहीं आप फिर बोलिए अभी बोलिए। तो हम गोवर्धन की बात कर रहे थे, तो मुझे ये याद है कि दो दिन गुरुदेव नित्य लीला से पहले जगन्नाथपुरी में, मैं जगन्नाथपुरी
पहले ही चला गया था, मेरे हृदय में आ रहा था कि मैं गुरुदेव के पास ही जाऊंगा, तो मैं लगभग वहीं पे ही था 20 दिन 25 दिन, जितने भी गुरुदेव वहां पे जगन्नाथपुरी में थे आखिरी में मैं उनके साथ ही था, लेकिन 1-2 किलोमीटर दूर रुका हुआ था। तो गुरुदेव ने मुझे जब मेरे को वहां देखा बड़े मुस्कुराए और बोले तुम भी आ गए हो, तो मैंने कहा हाँ गुरुदेव मैं आ गया। फिर गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम आना। मैं गुरुदेव के पास जाने लगा तो उनके सेवकों ने बोला भाई देखो आज गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है, हम किसी को अंदर नहीं जाने। तो मैं बड़ा निराश सा हो गया, नीचे आ गया, प्रसाद पाने लगा, भागे भागे कोई व्यक्ति आए, हमारे भक्ति हैं गुरु भाई जो गुरुदेव के सेवक, अरे गुरुदेव तुम्हें बुला रहे हैं, गुरुदेव तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि मेरे जैसा एक निकृष्ट व्यक्ति और गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी गुरुदेव ने मुझे ऐसे याद किया। मैं भाग भाग के उनके पास पहुंचा और मुझे पूछ रहे थे अरे कहाँ हो तुम, और उन्होंने अपनी वो एक लात आगे करी जिसकी मैं मसाज करा। और उन दिनों गुरुदेव का स्नान के लिए हम पूरे सब भक्त लोग इकट्ठे होते थे, उनका स्नान हम करवाते थे, और गुरुदेव एक बड़े गंभीर भाव में, मेरे को लगता है कि सिर्फ ये वही लोग जान सकते जो वहां थे, बड़े गंभीर भाव में वो रहते थे और एक एक चीज को देखते थे। कोई व्यक्ति नया अगर उनको छू लेता था तो एकदम उनको पता चल जाता, बिल्कुल गंभीर भाव में। और जब हम समुद्र से, क्योंकि वो एक हमारा तीर्थ स्थान है चैतन्य महाप्रभु, वहां स्नान करते थे तो गुरुदेव का पानी जो है जल हम वहीं से लाते थे, और गुरुदेव बड़े गंभीर अपने आंख बंद करके, ऐसे लग रहा था कि गुरुदेव बहुत कुछ ऐसे स्मरण कर रहे हैं। तो जब उनके आगे हम वो कटोरा लेके जाते थे कितना गर्म है कितना, तो अपनी उंगली डाल के ऐसे करते थे और उंगली डाल के ऐसे कि हाँ ठीक है अब आप स्नान करा सकते। तो ये गुरुदेव के कुछ ऐसे अच्छे, और मुझे वो भी दिन याद है जब कोई लगभग तो 1998 की बात होगी या उससे पहले की है, या उन्हीं दिनों की, जब गुरुदेव जगन्नाथपुरी में थे। तो मैं गुरुदेव के पास जब वहां पहुंचा हूं, तो क्योंकि हमारा वहां पे कोई ऐसा मठ था नहीं, तो गुरुदेव किसी के घर पे रुके हुए थे, और मैं भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी के मठ में जो गौरबाड़ शाही करके एक जगह है वहां पे मैं रुका हुआ था। तो अब मैं गुरुदेव की मालिश के लिए, मसाज के लिए जाता था रोज 11 बजे। अब वो रास्ता था लगभग कोई 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का। एक दिन मैं थोड़ा सा लेट हुआ और मैं भागना शुरू करा, ये तो बहुत लेट हो गया हूं मैं गुरुदेव के पास जब पहुंचा तो ऐसे क्या हुआ कि उस दिन गुरुदेव के पास कोई था नहीं उस कमरे में। मैं गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने कहा अरे तुम आ गए, मैंने कहा हाँ गुरुदेव मैं आ गया, तुम लेट नहीं हो, मैंने कहा हाँ महाराज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो गुरुदेव ने, मैंने गुरुदेव की मालिश शुरू करी। अब मैं पीठ पे मालिश कर रहा और क्योंकि भाग के आया था मैं और मेरा वो सांस चढ़ा हुआ था और मैं मालिश कर रहा था गुरुदेव की, खिड़की सामने ही थी, गुरुदेव लेटे हुए हैं और खिड़की की तरफ देख रहे हैं, समुद्र सामने है। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं जब मालिश कर रहा गुरुदेव बोलते हैं रोहिणी तुम्हें पता है कि ये जगन्नाथपुरी का जो मौसम है ये ऐसे ही है, कभी धूप हो जाती है कभी बारिश आ जाती है एक मिनट में, और ये बात ठीक है कि एकदम धूप आएगी एकदम एकदम जैसे आंधी आ जाएगी काला हो जाएगा और बारिश आके फिर धूप आ सकती है, ये जगन्नाथपुरी का ये उनका मौसम का ये हाल है। तो अचानक गुरुदेव, मैं जब मालिश कर रहा हूँ गुरुदेव मुझे बोलते हैं देखो बारिश आ रही है, देखो कितना मौसम है, सूरज भी है और बारिश भी आ रही है। मैंने बाहर देखा खिड़की के, बारिश तो थी नहीं, तो गुरुदेव मेरी तरफ मुस्कुरा के बोलते देखो बारिश भी आ रही है। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, ना तो मैं बोल नहीं सकता कि गुरुदेव आप गलत हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि धूप निकली है, और धूप थी बारिश नहीं थी। तो गुरुदेव ने कहा अरे मेरे ऊपर तो बूंदे पड़ रही हैं बारिश की। मैंने हैरान हुआ, फिर मेरे को पता चला बाद में कि वो मेरा ही स्वेद पसीना गुरुदेव के ऊपर गिर रहा था, क्योंकि मैं भाग के आया था और मैं मालिश कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चला, और
गुरुदेव का जो एक मजाक करने का तरीका बड़े गंभीर, कि मैंने जो सोचा बारिश आ रही है तो मैं फिर मैं समझा तो मैं भी बहुत जोर से हंसा और गुरुदेव भी हंसे कि ये, और मुझे बड़ी शर्म आई एकदम। मैंने कपड़ा लिया और गुरुदेव का वो जो गाते हुए शरीर है उसको मैंने पूछ दिया कि ये मेरे से क्या हो गया। तो एक बात यहाँ पे गुरुदेव ने, क्योंकि देखो हर गुरुदेव की मधुर स्मृति हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। गुरुदेव ने इस बात को करा था, जब मैं पहली बार मसाज के लिए गुरुदेव के पास गया तो उन्होंने बोला तुम एक प्रचार प्रचारक करो, ये तो मैं किसी अनपढ़ से भी करवा लूंगा। क्या ये मसाज, ये गुरुदेव का एक बड़प्पन है। वाणी, वपु मतलब शरीर और वाणी मतलब उनकी दिव्य वाणी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही दिव्य हैं, इस बात को हम ना भूलें। वाणी और वपु दोनों ही दिव्य हैं, दोनों में अंतर कोई नहीं है, लेकिन वाणी का कहीं ना कहीं वैशिष्ट आता है। साधक अवस्था में, जैसे हमारी अवस्था है, साधक अवस्था में वाणी का वैशिष्ट बढ़ जाता है। सिद्ध अवस्था में दोनों एक है, वाणी भी और वपु, वपु मतलब शरीर और उनकी वाणी, ये नित्य है, दोनों हमारे को कृष्ण और उस लोक की याद दिलाती। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा कुछ लोगों का, हमारे अपने मठ में ये एक भ्रांति है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं नहीं वपु और वाणी एक ही है, कहीं कहीं वैशिष्ट वपु का बताने लग जाते हैं, शरीर का, कि हमने गुरुदेव की सेवा करी है तो हम ज्यादा उनके घनिष्ठ हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं गुरुदेव ने बोला। गुरुदेव ने इस बात को करा जो मुझे बोला उन्होंने, कि वाणी और वपु का जो विशिष्ट वाणी का है, आज देखिए हम क्या कर रहे हैं, गुरुदेव की वाणी की सेवा ही तो करेंगे अभी हम, नहीं तो आज वपु का गुरु, हमारे पास वपु तो नहीं है गुरुदेव का, लेकिन आज हम किसकी सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव की वाणी की सेवा कर रहे हैं। आज हम इकट्ठे हुए हैं गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव क्या बोल रहे थे, गुरुदेव क्या चाहते थे। तो वाणी गुरुदेव की कहीं ना कहीं विशिष्ट लेके, अब देखिए एक बात समझिए, स्वामी प्रभुपाद और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका संग ज्यादा नहीं हुआ, वपु सेवा तो छोड़ ही दीजिए, वाणी का सेवक संग भी 1922 में स्वामी प्रभुपाद अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। हरे कृष्णा विजय प्रभु, बोलो 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 बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वाणी और वपु को लेके हम जो ये बात कर रहे हैं, हम वाणी का विशिष्ट और वपु का, हमारे स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पूरे संसार में हरे कृष्ण महामंत्र को फैला दिया, उनका वपु संग कितना हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, सिर्फ दो बार, 1922 में, और उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं ग्रस्त में, उनकी लीला रही कि 1933 में जाके फिर मिले जब उन्होंने दीक्षा ली। तो भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद जैसे शिष्य जो उन्होंने वाणी सेवा करी, तो आज उनका इतना नाम और इतना हरे कृष्ण महामंत्र उनकी कृपा से पूरे संसार में फैला। उसी तरह से स्वरूप दामोदर राय रामानंद, इन्होंने कौन सी चैतन्य महाप्रभु की वपु सेवा कितनी करी, उनके जो ए, ए, उनके जो सेवक थे गोपाल गुरु, गोपाल कोई सेवक थे उनके, जो उनकी सेवा जो कर रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के को कौन सी सेवा अच्छी लग रही थी, जो राय रामानंद जी बोल रहे हैं, राय रामानंद सब बात, स्वरूप दामोदर जो हर वक्त अपनी स्वाद से उन ब्रज लीलाओं का प्रवेश करवा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को नवद्वीप में भी, तो स्वरूप दामोदर और राय रामानंद की जो सेवा, जो वाणी सेवा, हम देखते हैं कि कितनी ऊंची मानी गई। तो हम इस भ्रांति में ना रहे कि वाणी सेवा और वपु सेवा में अंतर ना होने पर भी साधक अवस्था में जब हम साधक साधन कर रहे हैं तो वाणी का विशिष्ट ज्यादा हो रहा है। ये बात अब हम थोड़े से अब सिद्धांतों पे, जो गुरुदेव के उस माधुर्य, जब गुरुदेव उन बातों को करते थे तो गुरुदेव ने सीधा एक बात मुझे जैसे पूछा सुबह, अरे बताओ रोहिणी, मेरा सबसे
प्रिय श्लोक श्रीमद् भागवत का कौन सा है? मेरा, ऐसे बोला उन्होंने। अच्छा बताओ कौन सा श्लोक मुझे सबसे प्रिय है? बहुत सारे लोग खड़े थे, तो क्योंकि मुझे शौक है श्लोक को स्मरण करने का, उच्चारण की बात जहां तक होती है तो गुरुदेव ने मुझे ये बोला कि उच्चारण में इतना ध्यान नहीं, हमें प्रचार में ध्यान देना है। हम संस्कृत के विद्वान बनने नहीं आए हैं यहाँ पे, लेकिन अगर तोतली आवाज में भी हम उस श्लोक का उच्चारण करते हैं तो जिस तरह माँ अपने बच्चे की तोतली आवाज सुन के बड़ी आकर्षित होती है, तो उसी तरह से गुरुदेव ने मुझे बोला। तो उस श्लोक, उस प्रिय श्लोक को मैं दोहराता हूँ जो गुरुदेव ने हमें बार बार कहा कि मेरा सबसे प्रिय श्लोक श्रीमद् भागवत का है, ना पार्यो अहम निर्बद्ध से युज्याम साधु कृत विबुदायुष पीव माँ भजनम दुर्जगे श्रृंखला संविशच प्रतियतु साधु नाम। श्रीमद् भागवत का दसवां सिकंद, जब कृष्ण कह रहे हैं ओ गोपियों मैं तुम्हारा पार नहीं पा सका जो प्रेम तुमने मुझे करा। जब मैं ये बात बोल रहा था मैं आपको बता नहीं सकता, गुरुदेव ऐसे सुन रहे थे, ऐसे देख रहे थे गंभीरता से, इतना उनके अंदर आनंद उमड़ रहा था। उन्होंने अपने सेवक का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और मेरी तरफ वो और गिरते जा रहे थे, और उनके आंखों में जैसे कुछ एक बहुत ही गहरापन, जब वो सुन रहे थे इस बात को कि जैसे कि उनकी हृदय की बात बाहर निकल रही है, क्योंकि हमने गुरुदेव से ही सुना था और वो गुरुदेव वापिस वो सुनना चाहते थे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं गोपियों तुम्हारा पार नहीं पा सका जो तुमने मेरे लिए गुरु कर दिया। गोपियों मैं नंद बाबा को नहीं छोड़ पाया, मैं यशोदा मैया को नहीं छोड़ पाया, और देखो मैं अपनी गैयाओं को सांवली धावली इनको नहीं छोड़ पाया, मैं अपने दोस्त मधुमंगल इन सबको नहीं छोड़ पाया, लेकिन गोपियों तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। संवृक्षत साधु नाम, इतना सुंदर कार्य जो तुमने किया। विभुद आयुष्य पीव, मैं ब्रह्मा जितनी भी आयु अगर लेके पैदा होऊंगा तो मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाऊंगा। ये गुरुदेव का अंदर का भाव है कि वो देने के आए हैं। ये उन्होंने सीधा बोला मुझे 18,000 श्लोक में से सबसे प्रिय श्लोक ये लगता है। क्यों बोला? ये उनका भाव है। भगवद गीता, अच्छा बताओ सबसे अच्छा मुझे सबसे प्रिय श्लोक भगवद गीता में कौन सा लगता है? उन्होंने जब हमने इस बात को करा मन मना भाव मत भक्तो, क्योंकि हमने गुरुदेव से सुना था कि ये गुरुदेव को सबसे अच्छा लगता है, और गुरुदेव ने इसको एक गोविंद लीला अमृत पुस्तक में भी उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या, मेरे को लगता है मुझे याद है पहली पुस्तक गोविंद लीला अमृत जो छोटी पुस्तक निकली थी गुरुदेव की, वो जब मैंने पढ़ी। और मन मना भाव का मतलब क्या है? वो मन के भाव जो गोपियों के हैं। और बड़ी सुंदर कथा जो कृष्णदास कविराज महाराज की है गोविंद लीला अमृत में, वो मन मना भाव के ऊपर किस तरह एक नव विवाहिता गोपी किस तरह वो किवाड़ के पीछे है और उसके बीच में से देख रही है, और उसकी सास और ननद मना करके गई है बाहर मत निकलना, तू नव विवाहिता है, यहाँ पे एक ऐसा छोरा है जो तेरा दिल ले लेगा, उसके बाद तू कहीं की नहीं रहेगी, बाहर मत निकलना। और वो जब देख रही है और कृष्ण गैयाओं को चरा के उसके घर के सामने से निकल रहे हैं, किवाड़ के पीछे से देख रही है दोनों, और कृष्ण ने सीधा अपनी गैया की बछड़े का पूंछ पकड़ा और बछड़ा सीधा भाग के आया और किवाड़ को तोड़ दिया। और वहीं पे ही गोपी, वो गोपी जो नव विवाहिता है वो कृष्ण को देख रही है, कृष्ण उसको देख रहे हैं, उसके बाद वो सुध भूल जाती है। ये पूरी कथा गुरुदेव सुनाते थे, ये है मन मना भाव। तो गुरुदेव हमें देने क्या आए? गुरुदेव इसी बात को हमें देने आए थे। अगर आज हम उस बात को नहीं करेंगे तो ये गुरुदेव को हम कितनी भी मधुर स्मृतियां, अगर वहां तक नहीं पहुंच रही हैं, ये अगर ये उन भावों तक वो मधुर स्मृतियां नहीं पहुंच रही हैं तो गुरुदेव का आनंद नहीं हो रहा है। तो मुझे तो ये पता है कि गुरुदेव ने इस बात को बार बार हमें इस भाव को, गोपियों के इस प्रेम को हमें बार बार दिया है, और हम ये समझते हैं कि गुरुदेव की कृपा के बिना ये कभी हो नहीं सकता है। ऐसी और भी कई, जैसे एक गंभीर बात और है, एक तत्व की गंभीर बात है। कुछ लोग स्वामी प्रभुपाद के अप्रकट के बाद, जो स्वामी प्रभुपाद इस स्थान में है उनके अप्रकट के बाद गुरुदेव के पास आए, और जो गुरु थे इस कौन में ही, उन्होंने गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, इस बात को गुरुदेव ने कराया हमारे साथ। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव हम कुछ लोग स्वामी प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे, आखिरी में स्वामी प्रभुपाद वृंदावन में थे, और उस वक्त
प्रभुपाद स्वामी जी ने एक इच्छा जाहिर करी, मुझे गोवर्धन जाना है, ये उनकी एक इच्छा थी। तो वहां पे दो गुट बन गए, एक सेवकों का जो ग्रुप था वो कहते हैं कि स्वामी जी को अगर हम ले जाएंगे, इनकी ये स्थिति नहीं है, ये अपना शरीर त्याग देंगे, उनका ये कहना था। और कुछ ने कहा नहीं, ये गुरु ने कहा है, शिष्य को मानना चाहिए, इनको लेके जाना चाहिए। अब ये दो गुट बन गए थे। हालांकि स्वामी जी को गोवर्धन ले जाया गया या नहीं, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि लेके नहीं गए स्वामी जी को, और वो वहीं पे ही रहे। तब ये ऐसे दो सेवक गुरुदेव के पास जब आए, गुरुदेव ने को जब ये पूछा गया, ये बताओ कि इन दोनों में से ठीक कौन था, जो गुरु की बात माना जिन्होंने कि जाना चाहिए था, या जिन्होंने नहीं माना और नहीं लेके गए। तो गुरुदेव ने कहा कि जो लोग नहीं लेके गए, गुरुदेव की बात नहीं मानी अपने, वो ठीक थे। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि जो गुरु लीला कर रहा है, शिष्य को उस लीला में मदद करनी है। स्वामी प्रभुपाद अस्वस्थ लीला कर रहे थे, अस्वस्थ लीला, तो वो अस्वस्थ लीला को पूर्ण करने के लिए अगर हम बोले गुरु नित्य है, इनको लेके चलो, इनको ऐसे करो, तो हम गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो गुरु जो लीला कर रहा है उस सेवा को हमें करना चाहिए। ऐसा ही हुआ जब हम गुरुदेव के पास, गुरुदेव गोवर्धन पे थे, गुरुदेव की एक इच्छा थी मुझे वृंदावन जाना है, वो बार बार इस बात को करते। अब जब मैं वहां पे खड़ा हुआ था तो गुरुदेव ने इस बात को किया, तो गुरुदेव के अपने निजी सेवक ने उनको बोला नहीं नहीं अभी जा नहीं सकते हैं, गाड़ी नहीं है। गुरुदेव बड़े गंभीर होके उदास होके देख रहे हैं कि वृंदावन जाना है। अगले दिन फिर वही बात हुई, तो वो सेवक ने बोला अरे गाड़ी तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, और हम कई ऐसे थे जो ये सोच रहे थे अरे गुरुदेव जाना चाहते हैं तो वो बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं ले जाए उनको, कितना दूर है। लेकिन जब इस बात को मैंने सुना था कि क्या कि गुरु जो लीला कर रहा है अस्वस्थ लीला में, हमें अस्वस्थ लीला की वैसे ही उनकी सेवा करनी है, अस्वस्थ की नहीं नहीं गुरु जी आपको ऐसे नहीं ले जा सकते हम। तो ये एक ऐसा एक तत्व का कि जो गुरु एक अस्वस्थ लीला जो कर रहा है, ये एक अस्वस्थ लीला एक बड़ी गंभीर और गूढ़ लीला है। इस लीला को देख के कई गुरुदेव के भक्त, गुरुवरों के भक्त उनको छोड़ के भी चले जाते हैं, अरे इनका तो शरीर हमारे जैसा ही हो रहा है, ऐसे बीमारी आ रही है। नहीं भाई, ये दो चीजें गुरु करता है जिसको वांछनीय लीला बोल सकते हैं। दैन्यता, दैन्यता मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इतना दुख पा रहा हूं, ऐसे करके बोल सकता है वो। और फिर दूसरी लीला जो अस्वस्थ लीला है। तो ये दो लीलाएं ये वांछनीय है, एक शिष्य को ये टेस्ट कराती। तो बड़े गंभीरता से हमें समझना है कि ये दो लीलाओं को जो जो जिनका पूर्ण विश्वास गुरु तत्व पे और गुरु पे नहीं है, वो ऐसे करके छट जाएंगे। इसको छटन लीला बोलते हैं, वो छट जाएंगे और वो चले जाएंगे। तो ये हमारे गुरुदेव के कुछ ऐसे तत्व हैं, एक के बाद एक मेरे मन में आता चला जा रहा है, लेकिन समय की सुई टाइम है प्रभु जी, 9:30 तक आप अब खुल के बोलो। ओके तो बहुत टाइम है, आप आराम से बोलो सारी चीज। गुरुदेव की जो कृपा शुरू हुई, मैंने देखा जब गुरुदेव ने अस्वस्थ लीला शुरू की, बड़ा गंभीर माहौल बनाया हुआ था, और कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था एक आम व्यक्ति की तरह से हम उनको देख रहे हैं, पर गुरुदेव अस्वस्थ लीला तो कर ही रहे थे। शाम का समय, अंधेरा, चुप चांद रखा हुआ है, तो मेरी बारी आई गुरुदेव के पास रहने की, कि मैं गुरुदेव को उस शाम को गुरुदेव के पास रहूंगा। दिल्ली की बात है, अंधेरा था कमरे में, तो मैं गुरुदेव की तरफ देख रहा था। गुरुदेव अपने आंख बंद करके बैठे हुए लेटे हुए थे, तो मैंने वहां पे गीत गाना शुरू कर दिया। मैं जानता था मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन मैंने वहां पे श्री रूप मंजरी पदा,
से ही मोरा संपदा। मैंने गाना शुरू कर दिया और मैंने ये पूरा गाया और मैंने देखा गुरुदेव लेटे हुए हैं, उनकी एक उंगली उनके शरीर पे ऐसे 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 कर रही थी। वो मेरी धुन के साथ वो सुन रहे हैं, वो धुन के साथ सुन रहे थे। उसके बाद मैंने देखा कि बाकी सेवकों ने भी फिर इस तरह का कुछ माहौल बनाया, क्योंकि हमने ये सुना है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने आखिरी में भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को बोला था कि मुझको ये गाओ। हालांकि भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज इतने अच्छे गायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कहने पे तो वो गाया गया और वो अस्वस्थ लीला बोलते हैं हम, वो अस्वस्थ लीला करी गई। तो उसमें श्री रूप मंजरी पदा भक्ति रक्षक श्री धर्म राज के ने गाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए। और मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हमने वीडियो देखी है कि गुरुदेव ने स्वामी प्रभुपाद के लिए यही श्री रूप मंजरी पदा ये स्वामी प्रभुपाद के लिए उस आखिरी क्षणों में गाया था एक आध दिन पहले गुरुदेव ने ये स्वामी प्रभुपाद के लिए, क्योंकि गुरुदेव मथुरा से आए और स्वामी प्रभुपाद अस्वस्थ लीला कर रहे थे। स्वामी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ ब्रो जी बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं इस बात को कर रहा था, पता नहीं कितनी बात सुनी गई और कितनी कट गई। मैंने ये शेषाय प्रभु ने श्री रूप मंजरी पदा गाया स्वामी प्रभुपाद के लिए। हमारे गुरुदेव खड़े हुए हैं वहीं पे ही 1977 में, और उसी कमरे में गुरुदेव ने अपने अनुगत में इन सब भक्तों को कहा कि तुम इस भजन को गाओ, श्री रूप मंजरी पदा से ही मोर संपदा से ही मोर भजन पूजाना। तो मुझे बहुत ही हृदय में आज उस क्षण को याद करके आ रहा है कि मैंने गुरुदेव के लिए इसको गाया था। तो गुरुदेव कृपा करें कि हम कभी भी उनसे अलग ना हो। आप सब वैष्णव लोग मेरे पे कृपा करें कि हम अपने भजन करते रहें। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। रोहिणी प्रभु कभी करता है ऐसे की कलेक्शन करता है इस कौन में, तो ये पहले से ही गुरुदेव को बताया। तो गुरुदेव ने मुझे कहा देखो आपने जितनी भी कलेक्शन और पैसा है ना, तुम ये वहां जाके दे दो, मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। याद रखो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा अरे इनको कुछ भी नहीं चाहिए। कहते सुनो मैं तुम्हारे मलिन हृदय को साफ करके, ये उनके शब्द थे, मैं तुम्हारे मलिन हृदय को हरे कृष्णा लगता फिर से डिस्टर्बेंस हो गया। मैं चाहूंगा कि अगर नहीं बोलूंगा तो ये छुप जाएंगे, और अगर बोल दूंगा तो मैं उन वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम हृदय से करता हूँ कि ये हजारों लोगों को अगर ये जब सुनाई देगा तो उनको हमारे सिद्धांत और अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है उस उन भक्तों का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये घटनाएं जो हुई हैं, एक घटना जो मैं जिस बात को कि जब ये सोसाइटी बड़ी हो रही थी 1999-2000, जब गुरुदेव 96 में पहली बार गए बाहर, उससे पहले मैं गुरुदेव के साथ था, तो 97-96 में गुरुदेव जब बाहर जाने शुरू हुए तो मैंने उन निजी जो सेवक थे गुरुदेव के 3-4, उनको मैंने वैसे ही बोल दिया। मैंने कहा देखो प्रभु हमारे गोरिया मठ में ये सिद्धांत जो 4 नियम है ना, इसको बड़ी अच्छी तरह करना चाहिए हमें, क्योंकि अब सोसाइटी बड़ी हो रही और अगर हमने इसको नहीं किया तो ये ठीक नहीं रहेगा। मैंने तो वैसे ही बोल दिया क्योंकि सोसाइटी बड़ी हो रही है, सिद्धांत होने चाहिए 4 नियम का पालन।
कि भाई जिसको हम रटे हुए थे जब हम इस्कॉन से आए, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, जैसे ये हमने बचपन से रटा हुआ है, और 16 राउंड्स को चैंट करना और 10 ऑफेंसेस हमने नहीं करने, ये हमें रटा हुआ है, ये हमारे खून में आ गया, ये सिद्धांत है हमारे। हमने यहाँ पे जब देखा कि उस सिद्धांत इतनी स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करे जा रहे, तो मैंने उन सेवकों को कहा, मैंने कहा तो उन सेवकों में से किसी ने मुझे कहा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उसने बोला अरे तुम किसकी बात कर रहे हो। मैंने कहा प्रभु जी जैसे चॉकलेट है या ये कोल्ड ड्रिंक जो है इसमें कैफीन होता है, तो उस व्यक्ति को लगा मैं उसके लिए बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि ये उसकी कमी है या क्या है। तो उसको उसने मुझे बोला अरे क्या बोल रहे हो तुम प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद तंबाकू पीते थे। अब उस सेवक ने मुझे ये बात बोली, मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसने ऐसे बोल दिया कि प्रभुपाद तंबाकू पीते थे, he used to snort tobacco। मेरे को बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा ये व्यक्ति क्या समझेगा, और गुरुदेव हमारे दूसरी तरफ कितना प्रभुपाद से प्रेम करते थे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्या क्या उन्होंने बातें करी, समय है तो मैं बात करूंगा। जब उन्होंने ये बात बोली सुबह, अब ये बात है ऋषिकेश, ये बात ऋषिकेश में है, मैं वहां पे जब वहां पे था, मैं गुरुदेव के साथ कई दिन गुरुदेव के साथ वहां गुजारे, गंगा के बिल्कुल किनारे, ज्यादा लोग नहीं थे, 2-3 लोग थे हम। तो मैंने गुरुदेव से वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा गुरुदेव मुझे कोई कह रहे थे कि प्रभुपाद तंबाकू पीते थे। प्रभु जी वो गुरुदेव का चेहरा मुझे अभी भी याद है, एकदम लाल हो गया, इतने गुस्से में हो गया, ऐसे लग रहा था कि मुझे चांटा मारेंगे, ऐसे लग रहा था मुझे चांटा मारने वाले हैं। वो ऐसे खड़े हुए थे तो कहते हैं किसने बोला, उसके बाप पीते होंगे, ऐसे बोला गुरुदेव ने इतने गुस्से में, उसके बाप ऐसे वर्ड बोला उन्होंने। इतनी देर में जिस भक्त ने ये बात बोली थी वो भी वही खड़ा था, उसका भी मुंह लाल हो गया कि ये अगर प्रभु बोल देगा तो, मैंने तो बोला महाराज ने बोला, किसने बोला, तो मैंने कहा महाराज इन्होंने बोला। तो गुरुदेव ने उसको ऐसा डांटा कि तुम लोगों को अभी समझ नहीं है, तुम्हारा कान एक रखो, कान एक रखा करो तुम। मैं तो बहुत डर गया भाई, मैंने तो ये शुरू किया था कि 4 नियम पालन करने चाहिए, और बात यहां तक पहुंच गई कि स्वामी जी को भी प्रभुपाद को इन्होंने ऐसे बोल दिया, तो गुरुदेव को बड़ा ही दुख हुआ इस बात का। अगले दिन मैं उस भक्त के साथ बैठा हुआ था, हालांकि आज भी मेरा उस भक्त के साथ बहुत प्रेम है। ये अब उसने कैसे लिया, मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा वैसे हम क्योंकि दोस्त हैं, इकट्ठे हैं, सुबह भी जाएंगे, शाम को मालिश करेंगे, सुबह हम वॉक करते हैं गुरुदेव के साथ, 2-3 ही तो हैं सारे। तो मैंने उसको एक ऐसी बात बोली, मैंने कहा प्रभु जी आपको ये पता है कि रूप गोस्वामी के जो भजन कुटीर है वो दामोदर मंदिर में नहीं है, क्योंकि मैंने किसी ब्रजवासियों से सुना है कि जो राधा गोविंद देव जी हैं जहाँ पे रूप गोस्वामी ने बनाया उसके 20-25 फुट नीचे जाके उनकी भजन कुटीर है, वहां पे बिल्कुल नीचे जाके मैं वहां पे गया था। तो ये भजन कुटीर, ये तो रूप गोस्वामी जिनकी स्वास्थ्य जब खराब हो गया तो उनके भतीजे जीव गोस्वामी उनको अपने पास लेके आ गए उनकी सेवा के लिए। ये मेरे को मैंने सुना था, जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती है तो हम कई जगह जाते हैं, तो गोविंद देव मंदिर में उन्होंने हमें ये बात बोली। ये भक्त ने सुबह गुरुदेव को बोला सीधा जाके, जब हम पैदल चल रहे हैं, रोहिणी बोल रहे हैं कि जो भजन कुटीर दामोदर मंदिर में है वो असली नहीं है। अब बताइए, मैंने ये तो बोला नहीं था, लेकिन गुरुदेव को ऐसे बोल दिया गया कि रोहिणी बोल रहे हैं कि वो जो दामोदर मंदिर में जो भजन कुटीर रूप गोस्वामी के वो है ही नहीं, असली भजन कुटीर कहीं और है। गुरुदेव ने देखना शुरू किया तो सीधा मेरी तरफ ही देख रहे थे कि मैंने ऐसे बोला था, और गुरुदेव फिर लाल हो गए, मुझे लगा कि मुझे पड़ेगा तब पड़ेगा। गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा और मेरे पास आंख में आंख डाल के बोला तुम एक कान रखो, तुम अपना एक कान रखो,
ज्यादा कान रखने की जरूरत नहीं, मुझे सुनो सिर्फ, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ कि वही भजन कुटीर है, वहां पे उन्होंने भजन किया है और वो समाधि है और वो भजन कुटीर। अब मेरा तो ये कहने का मतलब नहीं था कि भाई वो भजन कुटीर है, और लेकिन जिस तरह बोला गया वो एक घुमा फिरा के गुरुदेव के सामने बोला गया, लेकिन ये चलती रही ये बातें, और गुरुदेव की बड़ी सेवा उन भक्तों ने करी है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये जो चार नियम की बात थी वो हम इस बात को करते रहे, जो कि बात पूरी कितनी हो पाई मुझे पता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव के जाने के बाद अब मेरा वो ऐसा कोई संपर्क रहा नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी संस्था को अच्छा चलने के लिए उसके नियम बहुत ही अच्छे होने चाहिए, जिससे कि वो आगे और फैल सके। मुझे ये भी याद है गुरुदेव, मैं अकेला था जो मठ में नहीं रहता था और गुरुदेव के साथ चल रहा था। उस दिन कुछ सन्यासी लोग चल रहे थे और कुछ भक्त लोग जो ब्रह्मचारी थे, सिर्फ एक मैं ही था जो मठ के बाहर रहता था, मथुरा में था मैं। गुरुदेव चल रहे थे, ज्यादा लोग थे भी नहीं, सन्यासी भी एक आदि थे। ये बात जब गुरुदेव अभी बाहर ज्यादा गए नहीं थे, दो तीन लोग ही थे, पुरंदर प्रभु थे, माधव महाराज थे और ब्रजनाथ प्रभु थे, तो उन्होंने गुरुदेव ने बड़े गंभीर होकर एक बात बोली, ये बड़ी सिद्धांतिक बात थी, और मैं सोच रहा था गुरुदेव ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। कहते हैं मैं मठ के लिए नहीं आया था। गुरुदेव ने ऐसे शुरू किया, सुबह 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 पहली बात हम टेम्पियर नगर की तरफ जा रहे हैं, गुरुदेव ने ये बात करी, और मुझे ये भी याद है किस समय पे ये बात करी थी, कहां पर था मैं। मठ से निकल के जब हम विकास बाजार से निकल के टेम्पियर नगर के पीछे जा रहे थे, वहां पे गुरुदेव ने इस बात को किया कि मैं मठ के लिए नहीं आया, मैं अपने गुरुदेव के लिए आया। बड़े गंभीर, मैं मठ के लिए नहीं आया हूँ, मैं गुरुदेव के लिए आया हूँ, और अगर मैं देखूंगा कि मठ उन सिद्धांतों पे जो मेरी भक्ति को नहीं आगे बढ़ने देगा तो मैं मठ छोड़ दूंगा। मैंने कहा ये गुरुदेव ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे, सारे मठ के लोग हैं और गुरुदेव ऐसे बोल रहे हैं। मैं तो, और गुरुदेव का स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं था, थोड़े गंभीर से थे। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने एक बात करी, उन्होंने बोला कि एक आचार्य कभी नियुक्त नहीं होता, मतलब एक आचार्य कभी इलेक्ट नहीं होता, उसको इलेक्ट नहीं करते एक आचार्य को, ये गुरुदेव की वर्डिंग है। और उसके बाद उन्होंने बोला देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को किसी ने इलेक्ट नहीं किया, वो स्वतः आए, तो आचार्य स्वतः है अपने आप को प्रकाश करता है, ये उनके वर्ड है, आचार्य स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है पहला, और आचार्य कभी भी इलेक्ट नहीं होता मठों से, वो इलेक्ट होके आचार्य नहीं बन जाता, आचार्य स्वतः ही प्रकाश करता है, ये उनके वर्डिंग थे। मैं सोच रहा था ऐसे क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव सबके सामने, मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा गंभीर, और गुरुदेव बड़े गंभीर थे, और हमने देखा कि कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने जो गुरुदेव का मठ है कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि गुरुदेव ने उस मठ को छोड़ के अपने ही हृदय से कितने मठ प्रकट कर दी। ये आचार्य होता है जो खुद ही, उन्होंने कहा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको किसी ने नियुक्त नहीं किया था कि तुम आचार्य बन गए, स्वामी प्रभुपाद उनको किसी ने नियुक्त नहीं किया कि वो स्वयं स्वतः अपने आप अपने हृदय से उन्होंने इन मठों को बनाया, तो एक आचार्य कभी भी नियुक्त इलेक्ट नहीं होता, और एक आचार्य जो है वो स्वतः प्रकाश होता है। ये गुरुदेव के कुछ अपने ऐसे गंभीर विचार थे जो कि अभी हमें समझ आती है कि वो विचार थे क्या, एक आचार्य कैसे आता है, एक आचार्य होता कौन है, उसके अंदर एक अपना ही एक एक औरा जिसको बोल सकते हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि हम गुरुदेव के पास रहे, हमने देखा कि गुरुदेव किस तरह से वो गंभीर बातों को कितनी आसानी से कर देते थे। डैम्पियर नगर की ये बात मुझे, और क्योंकि डैम्पियर नगर में कई बारी मैं वहां पे रहा हूँ कमरे लेक के सामने, और गुरुदेव के साथ जाता था, तो एक दिन गुरुदेव के साथ हम जब चल रहे थे तो गुरुदेव को बड़े वहां के जो जाने माने लोग हैं बहुत ही उनका आदर सम्मान करते थे, जैसे कि जैसे ही गुरुदेव उस बड़े पार्क में जाते थे, बड़े बड़े उनकी उम्र से भी बड़े उस टाइम के बड़े बड़े व्यापारी लोग गुरुदेव गुरुदेव करते हुए गुरुदेव के पास आके नमस्कार करते थे। तो अचानक ना हम गुरुदेव के साथ चल रहे थे, चक्कर काट रहे थे, तो गुरुदेव नीचे उतरे
और खुद झुके और उन्होंने एक फूल ले लिया अपने हाथ में, तो फूल ले लिया और फूल कान पे लगा लिया। मैंने कहा ये क्या गुरुदेव ऐसे क्यों कर रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इधर कान पे लगा लिया, फिर एक और लिया तो इधर लगा लिया। मैंने कहा ये इतने बड़े बड़े लोग क्या सोचेंगे, एक सन्यासी ऐसे फूल लेके ऐसे ऐसे देख रहा है, तो गुरुदेव मेरी तरफ भी देख रहे थे, तो कैसा लग रहा है। मैंने कहा गुरुदेव अच्छा है। तो अब ये फूल गुरुदेव मुझे बोलते हैं ये कर्णिका फूल है, कृष्ण ये कर्णिका फूल है, कृष्ण गोपियों को आकर्षित करने के लिए भी लगा लेते। तो मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, मुझे इतना समझ आया नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं 10वां सिकंद है श्रीमद् भागवत का शहर, उसमें था बरहा पीडम नडवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, कर्णियो कर्णिका ये कर्णिका फूल, तो गोपियां ये प्रार्थना कर रही है कि कृष्ण तुम्हारा सौंदर्य कितना है, बरहा पीडम तुम्हारे सर पे बरहा पीडम मोर की पंखी और इतना बड़ा चूड़ा जो है तुम्हें कितना सुंदर लग रहा है, कर्णियों कर्णिकारम और तुम्हारे कानों पे वो फूल जो लग रहे हैं तुम्हें और आकर्षित कर रहे हैं, हमें हम और आकर्षित हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि गुरुदेव उन भावों में हमेशा रहते थे, चाहे वो चल रहे हैं चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, उनका ये भाव हमेशा ये रहा। जब उन्होंने ये बोला कि कैसा लग रहा हूं मैं, कि ये कृष्ण गोपियों को आकर्षित करने के लिए ये कर्णिक फूल है, अब हमें तो ये पता नहीं था, जब मैंने ये पढ़ा ये श्लोक जो गोपियों की जो ये प्रार्थना जो कृष्ण की सुंदरता के लिए भागवत में है, ये बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, नटवर वपु वो नटवर वेश बना के वो मोर पंखी बना के और कर्णिक फूलों को धारण करके तुम हमारे हृदय को आकर्षित कर रहे हो कृष्ण, ये गोपियों की प्रार्थना बड़ी ही सुंदर है। कर्णिकारम बीब्रतवासा कनक कपीशम, बीब्रतवासा कनक कपीशम, तुम्हारे ये जो पीले लश्कारे वाले जो कपड़े डाले हुए हैं, बीब्रतवासा कनक कपीशम वैजयंती माला, बड़ी सुंदर वैजयंती की माला जो तुमने धारण करी है वो कृष्ण, ये हमें कितना आकर्षित कर रही है। अब बताइए इतनी गूढ़ गोपियों का जो भाव है, गुरु मेरे चलते चलते दे रहे हैं, चलते चलते दे रहे हैं। ये मैं ये जानता हूं कि गुरुदेव ने लगभग 50 साल मथुरा में अपने गुरुदेव की सेवा करी है, उनका मथुरा वासियों से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था, लेकिन वो यही कहते थे कि ये भजन भक्ति में ऐसे ही हैं। उनका गुरुदेव से अपना इतना इतना स्नेह था, इतना स्नेह था गुरुदेव से, गुरुदेव भी बड़े आनंद में आ जाते थे जब वो वहां के लोग आते थे उनको मिलने मथुरावासी के, और अपने भजन गाते थे, गुरुदेव उनके सारे भजन सुनते थे, लेकिन कहते थे अरे भाई कभी हमारे बंगला के कोरिया भजन की तो गाया करो। और उनका प्रेम मुझे याद है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और किसी वजह से आज गुरुदेव के साथ और कोई नहीं था, एक मैं और एक हमारे पुरंदर प्रभु साथ में थे। जब हम पार्क में थे मथुरा के, तो गुरुदेव ने अचानक बोला कि अरे वो जाजन देवी है ना, वो कई दिनों से मठ नहीं आई, चलो उसके घर चलते हैं। अब गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इधर माधव महाराज ने भी बोला कि इनको ज्यादा इधर उधर मत लेके आओ, एक थोड़ा सा लेके वापिस आओ। तो गुरुदेव पुरंदर प्रभु की बात सुनेंगे नहीं, तो पुरंदर प्रभु भी चल पड़े वहां से। आप देखिए वो एक गरीब महिला है जाजन देवी मथुरा की, और उसका घर वो काफी उम्र की बड़ी है, वो चल भी नहीं पा रही है, और उसका घर जो है जमादार की कॉलोनी है, बिल्कुल सामने डैम्पियर नगर से निकलते हुए थोड़ा सा आगे जाके, तो उस बस्ती से निकलना कितना मुश्किल था, चारों तरफ गन पड़ा हुआ है सुअर और ये सब, और वहां से हम निकल रहे हैं, लेकिन गुरुदेव का उत्साह कि मैंने उसका वो कैसी है, वो उसकी तबीयत ठीक है, वो मठ नहीं आ रही है कहीं से। तो जब हम वहां तक पहुंचे उसके घर पे, तो वो जाजन देवी बाहर ही खड़ी थी, वो इतनी आनंदित हुई, इतने प्रणाम कर रही थी, गुरुदेव आ गए गुरुदेव आ गए, मैं सोच रही थी गुरुदेव आ गए। अब मैं था और पुरंदर प्रभु, हम तो रह गए पीछे, गुरुदेव अंदर चले गए। हम जाके जब वहां पे पहुंचे, गुरुदेव बैठ गए थे, घर वाले को सबको इकट्ठा कर लिया था जाजन देवी ने। अब गुरुदेव मैं आपके लिए लस्सी बनाऊंगी,
हमने कहा भाई अब गुरुदेव की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, सुबह सुबह लस्सी। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। गुरुदेव ने ठीक क्या बोला, वो इतने बड़े बड़े जैसे गांवों के जो इतने बड़े बड़े ग्लास होते हैं, मैं तो देख के ही हैरान हो गया। वो 3 ग्लास बड़े बड़े ले आए, इतने बड़े बड़े, और मैं सोच नहीं समझ सकता कि कोई इसको पी सकता है एक बारी। लेकिन जब हमारे पास 3 ग्लास पड़े थे, मुझे तो समझ नहीं, और गुरुदेव ने उनके हाथ से लिया और पी गए पूरा। और अभी पुरंदर प्रभु का गिलास वहीं का वहीं है, मेरा भी वहीं का वहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रही इसको कैसे खत्म करें। इतनी देर में झाजन देवी बोलती है, महाराज एक एक गिलास और ले लो, एक गिलास मेरे ले ले, मेरे ले ले। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है। इधर मैं पुरंदर को देख रहा हूँ, पुरंदर प्रभु मुझे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक इतना बड़ा गिलास और आ गया और गुरुदेव ने वो भी पी लिया, और हम उसी गिलास में रुके हुए हैं कि हम क्या करेंगे, इतना बड़ा गिलास है, हम इसको खत्म कैसे करेंगे, हो नहीं रहा। ये गुरुदेव का प्रेम कितना था उनसे, उतने हर्षित रहते थे उस प्रेम में उन लोगों के साथ मिलके। तो ये तो अब हम समझते हैं कि उन मथुरा वासियों का क्या सौभाग्य था कि गुरुदेव, वो कितना गुरुदेव को पहचाने मुझे पता नहीं, लेकिन अपने सरल भाव में वो गुरुदेव को जितना पहचाने हैं, मेरे को लगता है कि गुरुदेव उन पर जरूर कृपा करेंगे। इसी मथुरा वासियों की बात से मुझे याद आ रहा है, एक नव विवाहिता एक स्त्री थी जो गुरुदेव के पास पहले आती थी। अब उसका विवाह हो चुका है और वो ना कहीं विवाह होके मथुरा से बाहर चली गई। तो ऐसा ही एक दिन हम गोवर्धन पे थे सुबह सुबह, और ठंड भी थी थोड़ी, तो हम जब वॉक करके मठ के अंदर घुसने लगे तो ये नवविवाहिता स्त्री, अब उसका 1-2 साल हो गए होंगे, तो एक नया बच्चा उसके हाथ में, छोटा बच्चा। गुरुजी गुरुजी, हम गुरुदेव बड़े गंभीर भाव में, हम कई चीजों को प्रश्न उत्तर करते हुए आ रहे थे, तो हम घुस रहे थे अंदर, तब सारे भक्त लोग गुरुदेव को प्रणाम कर रहे थे। हम मठ के अंदर घुस रहे थे, नया नया मठ बना था। गुरुजी गुरुजी इसको आशीर्वाद दो। उसने अपने बच्चे को ऐसे फेंका एक तरह से गुरुदेव के हाथ में कि गुरुदेव को ऐसे झटका लगा कि गिर ना जाए। गुरुदेव ने ऐसे पकड़ लिया, मैं गुरुदेव के साथ खड़ा था, गुरुदेव मुझे देख रहे थे कि ये क्या इसने किया। अच्छा गुरुजी इसको आप आशीर्वाद। तो गुरुदेव ने कहा चल, जैसे गुरुदेव करते थे कोई आशीर्वाद मांगने आता था, अच्छा फूल लेके आओ जल्दी से, कृष्ण भवती भवतु, कृष्ण मंगलम भवतु, कृष्ण भक्ति भवतु, इस तरह करके उन्होंने फूल डाले और बच्चे को पकड़े रखा। अब गुरुजी आप बड़े अच्छे हैं गुरुजी। तो गुरुदेव ने पूछा कि अच्छा तुम खुश हो? हाँ गुरुजी मैं बड़ी खुश हूँ। अच्छा अच्छा, तो अब सब भक्त लोग वहां पे खड़े थे, तो गुरुदेव ने उस बच्चे को, उस महिला को जो आई हुई थी, उसको दिया। फिर गुरुदेव वहीं पे कुछ बात करने लगे। अब जब गुरुदेव चलने लगे, फिर उस स्त्री ने फिर से गुरुदेव के हाथ में, गुरु जी इसको आशीर्वाद दे। तो गुरुदेव ने कहा इसको क्या आशीर्वाद दूं मैं, बताओ इसको क्या आशीर्वाद दे। तो नहीं गुरु जी, आपको जो अच्छा लगे आशीर्वाद। अच्छा ठीक है लो मैं इसको आशीर्वाद देता। आशीर्वाद दिया और वो स्त्री खुश होके चली गई। जिस भाव में उसने मांगा गुरुदेव ने वैसे किया, कि मथुरा वाले का गुरुदेव के साथ ऐसा संबंध था। जब हम कमरे में गए गुरुदेव के, तो गुरुदेव ने मुझे बोला, कहते इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि मैं ये सब छोड़ के आया हूँ। इनको ये भी नहीं पता है कि मैं अपने परिवारों को ये छोड़ के आया है, हम ये हमसे क्या आशीर्वाद चाहते हैं, इनको पता ही नहीं है मैं क्या इनको देने आया। ये गुरुदेव के शब्द थे, इनको पता ही नहीं मैं क्या इनको क्या देने आया। तो गुरुदेव हमें क्या देने आए हैं प्रभु, मैं ये समझता हूँ। अगर हम उन भावों में नहीं डूबे, अगर हमने उस जो जैसे गुरुदेव हर बार करते थे, तो वास्मिन तो वास्मिन, क्यों बोलते थे मैं तुम्हारी हूँ मैं तुम्हारी हूँ, वो राधा जी मैं और किसी के अलावा तुम्हारी नहीं हूँ। मैंने वो आंसू देखे हैं, मैंने देखे हैं कैसे कार्तिक का समय रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि, हम सब दोपहर को वहां तक पहुंचे हैं और अभी सब लोग जल्दी गर्मी हो रही है तो सब गुरुदेव वहां पहुंचे। उन्होंने जिस तरह उस बाबा जी संप्रदायों को किस तरह उन्होंने जोर जोर से एक शेर की तरह एक सिंह की तरह उन्होंने दहाड़ा वहां पे बाबा जी संप्रदाय के लिए, और उसके बाद जब रघुनाथ दास गोस्वामी का त्वय वास्मिन न जीवा भी त्वा बिना इति भी क्या ए राधे तन्ने मां वदन्ति कम, मैंने वो आंसू देखे हैं, वो चमक, क्योंकि मैं गुरुदेव के साइड में बैठा था, वो आंसू ऐसे गिरे जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, ऐसे गिरे चमकते हुए जैसे हीरे थे वो, कैसे गिरे
वो कैसे वो गुरुदेव रघुनाथ दास गोस्वामी को त्वयि वास्मिन बोलते हुए, वो त्वयि वास्मिन क्या था? कभी हमने इसके बारे में समझा है? कभी हमने ये त्वम रूप मंजरी सखी प्रथिता पूरस्मिन, ये पहला श्लोक है स्तवावली का, अगर हम इसमें प्रवेश नहीं करें तो हम गुरुदेव को क्या याद करेंगे? कौन सा है ये श्लोक? श्री रूप मंजरी त्वम रूप मंजरी सखी प्रथिता पूरस्मिन, ये स्तवावली का पहला श्लोक क्या है? ये यही तो चीज हमें गुरुदेव के पास खींच के देके आई है, नहीं तो हम इस कौन में खुश थे? क्या नहीं था हमारे पास? हम उसको लेके, हमें पता था गुरुदेव ने क्या देना है। अगर आज हमने इसके ऊपर मनन नहीं किया कि वो आंसू क्यों गिरे थे गुरुदेव, वो आंसू में क्या था ये बताए? अगर यही बोले गुरुदेव के ऐसे आंसू देखे थे तो मैं उसमें था क्या, उन आंसुओं में क्या था? श्री रूप मन त्वम रूप मंजरी सखी प्रथिता पुर अस्मिन, ये सिद्ध रूप में, सिद्ध स्वरूप में रघुनाथ दास को स्वामी प्रति मंजरी के रूप में, रूप मंजरी को क्या बोल रहे हैं? ये मैंने गुरुदेव से पत्र, मेरे पास कम से कम 100-150 पत्र हैं जो मैंने गुरुदेव के साथ इन बातों को किया है और वो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो रति मंजरी रूप मंजरी को क्या बोल रही है? कहती है कि तुम ऐसी हो, तुम तो एक ऐसी नारी हो कि तुम पराय पुरुष को देखती भी नहीं हो। तुम रूप मंजरी प्रथिता, प्रथिता मतलब पूरे समाज में तुम मशहूर हो कि तुम एक पराय मर्द को देखती भी नहीं हो। तो ये तुम्हारे होंठ पे ये कोई तोता चोंच मार गया है क्या? दोनों उस कुंज के अंदर देख रही हैं और रति मंजरी ऐसे बोल रही। मैंने ये प्रश्न गुरुदेव को पूछा और इसमें लिखित में मैंने गुरुदेव से पूछा, तो मैंने गुरुदेव को ये प्रश्न पूछा। मैंने कहा गुरुदेव मैं ये बात मान गया, लेकिन मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं प्रश्न पूछता था, मुझे ये बताओ गुरुदेव कि ये जो इन्होंने इनको बोला तो ये लिखा कैसे? तो उन भावों में डूब गए, वो लिखा कैसे इतनी मोटी मोटी जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, स्तवावली और रूप गोस्वामी की स्तव माला, स्तव अमृत लहरी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, ललित माधव, विदग्ध माधव, ये सब कैसे लिखा गया? तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया इसका। उन्होंने कहा कि ये भगवान की एक अचिंत्य शक्ति है जो अपने भक्त से काम कराती, कि वो डुबाती है और वो ही निकाल देती है, और निकाल के साधक रूप में उन्होंने लिखा और फिर सिद्ध रूप में उनको डबो के ये लिखवा दिया। ये लिखा गुरुदेव ने मुझे, मैंने कहा गुरुदेव ये कैसे हो गया? वो तो रत्ति मंजरी बन गए, उसमें से निकले कैसे? कहते भगवान की अचिंत्य शक्ति है जो उनको निकाल के उस रस में डाल के फिर निकालती है हम जैसे जीवों को कृपा करने। अब एक और प्रश्न था, एक और प्रश्न जो ये था, मैंने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव ये बताओ ऐसे कुछ श्लोक हैं जो स्तवावली में भी हैं और स्तव माला में भी वही लीला चल रही है, ये दोनों कैसे हो गए? ये प्रश्न मैंने पूछा कि ये क्या पुस्तकें बाद में लोगों ने एक दूसरे की चीटिंग करके लिख दी गई है क्या, स्तव माला और स्तवावली? क्योंकि स्तवावली में एक दो श्लोक और ऐसी एक दो लीलाएं हैं जो स्तव माला में भी है। स्तव माला लिखी गई रूप गोस्वामी से, स्तवावली लिखी रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो जब मैंने गुरुदेव को लिखित में ये पूछा तो गुरुदेव ने कहा ये कोई अचंभे की बात नहीं कि दोनों मंजरियां हैं और दोनों उन लीलाओं को देख रही थी और इसलिए दोनों ने अपने सिद्ध स्वरूप में जो देखा उन्होंने साधक रूप में वो लिख भी दिया। तो गुरुदेव ने कितने सुंदर रूप में हर चीज को, मैंने एक दिन गुरुदेव को कहा गुरुदेव मैं बंगाली सीखूंगा। गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा है सीखो। हालांकि जब मैंने ये बात कुछ और भक्तों को कही तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा है कि बंगला भी गुरुदेव की कृपा से मैं पढ़ लेता हूँ जो मुझे चाहिए, सारे सिद्धांत और सारी बंगला की पुस्तकें जो गुरुदेव ने दी हैं और जो हमारी परंपरा में ये सिद्धांतिक जो पुस्तकें जो रस में डूबने वाली हैं। क्योंकि देखो वृंदावन में रहना तो इस रस में डूबना पड़ेगा, नहीं तो वृंदावन रोक के नहीं रखेगा आपको। तो ये तो मैंने गुरुदेव को ही बंगला में, क्योंकि मैंने बंगला सीखी जब ट्यूशन लगाई मैंने, मैंने गुरुदेव को एक पत्र लिखा बंगला में, बड़ी सुंदर पहले लिखा, उसके बाद फिर मैंने उसको और सुंदर बनाने के लिए अच्छी तरह एक एक शब्द लिखा, फिर एक पत्र बन गया। उसके बाद मैंने वो पत्र गुरुदेव को दे दी। गुरुदेव मुझे जब अगली बारी मिले तो मैंने गुरुदेव को कहा गुरुदेव मैंने आपको एक बंगला में पत्र लिखा था,
वो लंबा पत्र था, एक दो तीन पेज का पत्र था जो मैंने लिखा कि मैं इस तरह गुरुदेव आपके पास आया, आप अपने चरणों में शरण दो, किस तरह हम कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी मुझे वही समझते हो कि मैं इस कौन का हूं, ऐसे ऐसे करके मैंने प्रश्न लिखे थे उसमें। तो गुरुदेव ने पता है क्या कहा, कहते जब मैं भी आया था तो मेरे को भी बंगला नहीं आती थी, मैं भी बंगला सीखा ऐसे ही, और तुमने जो पत्र लिखा है उसमें भी उतनी ही गलती है जो मैंने करी थी जब मैंने अपने गुरुदेव को पत्र लिखा। ये गुरुदेव ने ऐसे बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरुदेव ने भी ऐसा कोई पत्र अपने गुरुदेव को लिखा था और कह रहे थे कि उतनी ही गलतियां मैंने भी करी जितनी तुमने लिखे ने करी। तो मैंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊं कि आपको अच्छा लगे, मेरी तो बस यही प्रार्थना रहती है कि आप किसी तरह से मेरे से संतुष्ट हो जाए। समय बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, एक और लीला जो हो सकता है क्योंकि ये कहीं रह ना जाए, भक्त लोग आगे आने वाले उस संत की उस आचार्य की बात सुन लें, क्योंकि ये बातें और कब होंगी, किस जन्म में होंगी, क्या ये आवाज ठीक आ रही है? तो हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं प्रभु जी, प्रभु जी टाइम है, आप खुल के बोलो, कोई चिंता नहीं, कोई ऐसा ना हो कि तुम और मैं ही सुनते रह गए और सारे लोग अंदर से निकलते चले गए, ऐसा भी होता है। नहीं नहीं 60-70 लोग सुन रहे हैं और फेसबुक में भी सुन ही रहे हैं लोग, सब चिंता ना करो। मुझे एक बात याद आ रही है गुरुदेव की, गुरुदेव का स्वास्थ्य उस दिन ठीक नहीं था और गोवर्धन पे हम चल रहे थे, उस दिन किसी कारणवश गुरुदेव के अपने निजी सेवक में से कोई था नहीं, एक अपने सिर्फ पुरंदर प्रभु थे और मैं था और एक दो मेरे ख्याल से कुछ एक दो भक्त और थे जो साथ चल रहे थे। गुरुदेव को पता था मैं हमेशा प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन गुरुदेव की स्वास्थ्य ठीक ना होने से, और गुरुदेव ना जैसे मेरा कंधा पकड़ के, एक हाथ का जैसे राइट हैंड गुरुदेव ने मेरे कंधे पे रखा हुआ था और उसको हार लेके मेरे साथ चल रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज मैं गुरुदेव को अपना कंधा दे रहा हूँ, और एक हाथ में मेरे जाप था और मैं देख रहा था कि गुरुदेव कहीं गिर ना जाए या कुछ, ये गुरुदेव की लीला है कि भाई वो हमारे ऊपर किस तरह निर्भर हो जाते हैं। तो जब हम चल रहे थे तो मैंने देखा एक कुत्ता वहां से हमारे आगे से निकला जिसका गला बिल्कुल कटा हुआ और खून निकल रहा, मतलब आप मानिए प्रभु जी कि वो लगभग आधे से ज्यादा गला कटा हुआ और ऐसे गिर रहा था गला, ऐसे लग रहा था गला गिर जाएगा अभी और उसका खून निकल रहा है, सुबह सुबह का टाइम और मैं गुरुदेव के साथ चल रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही देखा, गुरुदेव को पता था मैं कोई प्रश्न पूछने वाला हूँ, तो गुरुदेव का हाथ मेरे कंधे पे था, जैसे ही मैंने देखा तो गुरुदेव ने ना अपने हाथ को जोर से दबाया मेरे कंधे पे और मेरा ऐसे कर दिया कि उधर नहीं देखूं मैं, मतलब मैं सोचा कि ऐसे गुरुदेव क्यों कर रहे हैं, मैंने कोई प्रश्न पूछना था उसके लिए कि ये कुत्ता इतना तड़प क्यों रहा है, गोवर्धन वासी है ये, यहीं पे जन्मा होगा और अब इसको इतना बुरा इसका हाल हो गया है और इसने आप जैसे संतों के भी दर्शन सुबह सुबह कर लिए हैं, इसके इतने बुरे कर्म, ऐसे कुछ मैं पता नहीं क्या पूछने लगा था। तो गुरुदेव ने अपने हाथ से कंधा दबाया मेरा और ऐसे करा कि चलो उधर उधर मत देखो सीधा चल। तो मैंने उधर देखने लग गया और फिर गुरुदेव ने थोड़ी 2 मिनट 1 मिनट के बाद बोला उधर मत देखो। मैंने कहा पता नहीं आज गुरुदेव, हो सकता है प्रश्न मेरे गुरुदेव आज नहीं देना करना चाहते क्योंकि मेरी आदत थी हमें तो प्रश्न करने हैं गुरुदेव से। तो गुरुदेव स्वास्थ्य ठीक ना होने से, क्योंकि मठ बड़ी दूर था अभी, तो हम आधा रास्ता ही चले वापसी पे हम थे, तो एक ना जगह एक थोड़ा सा ईंटें का एक ढेर और क्या बोलते हैं दीवार जैसी बनी हुई थी, वहां पे जाके गुरुदेव ना मेरे कंधे पकड़ के ही वहां बैठ गए और फिर मेरी तरफ देखने लगे। मैं चुप था, मैंने बोला नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पास एक प्रश्न है, मैं चुप, मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर गुरुदेव ने एक प्रश्न जो मेरे मन में था उसका उत्तर देना शुरू किया, इदम शरीरम परिणाम पिछलम, मुझे नहीं पता था ये क्या बोल रहे हैं लेकिन उसके बाद जाके मैंने इस श्लोक को पढ़ा। गुरुदेव ने बोला ये मुकुंद माला स्तोत्र का ये श्लोक है,
इदम शरीरम परिणाम कुशलम पतति अवश्यम शत संधि झरझरम किम औषधि मूल दुर्मते निराम्यम कृष्ण रसायन के निराम्यम कृष्ण रसायन के इदम शरीरम ये शरीर परिणाम पिछलम ये तेरे हाथ से निकल जाएगा। ये गुरुदेव बोल रहे हैं ये तेरे हाथ से निकल जाएगा और ये उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव मुझे बोल रहे हैं इदम शरीरम परिणाम पिछलम ये फिसल जाएगा तेरे हाथ से तू उसको रोक नहीं सकता। पतति अवश्यम पतति ये पतित हो जाएगा ये गिरेगा पतति पततित अवश्यम शत संधि झरझरम ये जितनी भी संधियां हैं इस हड्डियों की ऐसे बोल रहे हैं गुरुदेव जितनी भी संधियां जो आज हिल रही हैं ये सब झरझर हो जाएंगी ये मुड़ेंगी नहीं ये ऐसे ही रह जाएंगी झरझर हो जाएंगी ये तेरे हाथ में आने वाला नहीं है। पततित अवश्यम शत संधि झरझरम किम औषधिम मूड दुर्मते तू किस दवाई की बात कर रहा है किस औषधि की बात कर रहा है मूड पागल बुद्धि तू किसकी बात कर रहा है ये गुरुदेव मुझे बोल रहे हैं कौन सी अस्पताल की दवाई तेरे को ठीक कर देगी ये तेरे साथ होने वाला है। गुरुदेव ने कहा जो तुम देख रहे हो मेरे साथ ये तुम लोगों के साथ होगा अभी तुम सोच रहे हो तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो देखो साधक बन के गुरुदेव कैसे हमें दिखा रहे हैं पतति अवश्यम शत संधि झरझरम किम औषधि तू किस दवाई पे विश्वास रखता है किम औषधि मृत्यु से तेरे को कोई बचा नहीं पाएगा किम औषधि मूल दुर्मते निराम्यम कृष्ण रसायन पिबा हे पागल बुद्धि मूढ़ बुद्धि जो कृष्ण रस की जो औषधि है अगर वो नहीं ली तूने तो तेरे से बड़ा मूढ़ पागल कोई नहीं है। ये गुरुदेव ने उस कुत्ते के शरीर को देख के ये सबके साथ ये संसार मुझे बोला ये संसार बड़ा दुख भरा है तुम इसके दुख ज्यादा मत देखो तुम अपने कर्मों से हो रहा है उसको इस संसार में बहुत दुख है। ये गुरुदेव बोल रहे हैं संसार में दुख देखने चलोगे ना इसका अंत नहीं है इतना दुख भरा हुआ है इस संसार में कि तुम सोच नहीं सकते हो। लेकिन हमने क्या लेना है समय बहुत कम है हमारे पास और हमें भजन करना है। ठीक है गुरुदेव आप सच बोल रहे हैं हमें भजन करना है बिना उसके ये काम बनेगा नहीं आप हमारे पे कृपा करो कि हम उन भावों में चल सके जो आप भाव देने आए। सिर्फ ये बोलना गुरुदेव के पास हम आ गए हम इस कौन से आ गए और यहाँ पे हमने क्या ले लिया वो हमें देखना है तब हम आए हैं वरना हम कहीं भी नहीं गए। तो मुझे इशारा कर दिया गया है समय हो गया है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बात करना एक मिनट प्रभु जी वो लास्ट वाला रह गया वो ना गोवर्धन में जो लास्ट जो मॉर्निंग वॉक में आपने जो प्रश्न मतलब पूछा था कि क्या मतलब प्रेम कैसी होगी गुरुदेव ने कहा मतलब स्टेप वाइज जाना है फिर बाद में आपने पूछा कि आप क्या दे नहीं सकते हो तो उन्होंने कहा मैं दे सकता हूँ वो प्रसंग जो है ना वो थोड़ा सा लेना नहीं चाहिए। हाँ पर लेना हाँ वो एक और बार बोल हाँ उन्होंने ये जब वो जो मथुरा की स्त्री की बात कर रहे हैं जो मैं देना चाहता हूँ वो ले नहीं सकते हैं मैं देना क्या देना चाहता हूँ वो ये लोग ले नहीं सकते हैं और मेरी तरफ मुस्कुराए इस बात पे वो देख के कि मैं देने क्या आया हूँ और ये क्या बोल रहे हैं कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद यही लड़का जब बड़ा होगा तो यही स्त्री मेरे पास रोते हुए आएगी जब इसकी बहू आ जाएगी इस लड़के की कि मुझे ये बहू तंग करती इसकी बहू तंग करती है महाराज। ये गुरुदेव उसको आगे बढ़ा रहे थे देखो गुरुदेव की दृष्टि कहां तक जा रही है कि वो स्त्री अपने बच्चे के लिए आज मांग रही है इसको मंगलम हो इसका कहते हैं कल कोई इसी बच्चे ये वाला नहीं ये नहीं ये नहीं वो जो लास्ट कॉन्वर्सेशन मॉर्निंग वॉक में गुरुदेव के साथ जो आपका हुआ था ना जो हम लोगों ने भागवत पत्रिका में भी छापा था जो आपने प्रश्न किया था क्या वो आपने प्रश्न किया था प्रेम कैसे प्राप्त होगी तो गुरुदेव ने कोई चीजें फिर बताई आपने पूछा क्या आप नहीं दे सकते हो इस प्रेम को तो गुरुदेव ने कहा मेरी बातों पर विश्वास हो तब तो तो मैं गुरुदेव के साथ बैठा हुआ था गुरुदेव मेरे साथ आगे बैठे हुए थे पीछे माधव महाराज थे तो मैं गुरुदेव को लेके एक डॉक्टर के पास जा रहा था
तो मेरे बड़े मन में इच्छा थी कि गुरुदेव आपका स्वरूप क्या है, और इस बात से कई बार गुरुदेव नाराज हो जाते थे लोगों से कोई ऐसे बोलेगा तो। लेकिन आज गुरुदेव मेरी गाड़ी में बैठे थे और गुरुदेव बड़े खुश थे और पीछे माथा महाराज बैठे थे। तो मैंने गुरुदेव को पूछा, मैंने कहा गुरुदेव एक गुरु का स्वरूप होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपका क्या स्वरूप है। तो उसी वक्त क्योंकि वामन महाराज जी का तिरोभाव हो गया था उस वक्त, उसी उन्हीं दिनों वामन महाराज जी का तिरोभाव था, और उसके बाद गुरुदेव मेरे गाड़ी में बैठे हुए हम एक डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो उसमें वामन महाराज जी का रंग मंजरी है या एक मंजरी का स्वरूप और मंत्र आया। आपको पता है शायद एक बुक आई थी जो गोड़िया गीति कुछ देवानंद गोड़िया मठ से नई पुस्तक निकली, जैसी वामन महाराज जी का तिरोभाव हुआ तो उसमें शुरू में ही वामन महाराज जी का प्रणाम मंत्र था। उस प्रणाम मंत्र में उन्होंने अपने स्वरूप के उनका मंत्र स्वरूप के साथ दिया गया है, उनका रंग मंजरी है या कोई ऐसा नाम दिया गया। तो मैंने कहा गुरुदेव आपका क्या नाम है, राग मंजरी है वामन महाराज जी का। तो मैंने कहा महाराज आपका क्या स्वरूप है। तो गाड़ी चल रही है और गुरुदेव आगे देख के फिर मेरी तरफ देखने लगे कि ये मैंने सोचा मुझे डांट पड़ेगी और ये कोई तरीका नहीं है पूछने का इस सवाल को, और गाड़ी चला रहा हूं मैं और साथ में। तो उसी वक्त माधव महाराज हंस पड़े बड़ी जोर से हंस पड़े, हाँ हाँ वो बताएंगे, कभी बताएंगे कभी बताएंगे। तो गुरुदेव उसकी तरफ माधव महाराज की तरफ देखे और वो भी मुस्कुरा दिए और ये बात उसको वहीं पे ही उन्होंने समाप्त कर दी और मुस्कुराए, मतलब इस बात का मोदन किया उन्होंने कि ये स्वरूप हम बताएंगे। तो ये उनकी अपनी बड़ी अपार कृपा है मेरे पे कि उन्होंने मुझे इतना समय और इतनी बार मुझे अपने साथ संग रखा कि मैं उनके काबिल नहीं था। मेरी आज किस्मत है कि आज गुरुदेव के बिल्कुल साथ वाला कमरा मुझे मिला हुआ है जहाँ पे मैं वृंदावन में बैठा हूँ। ये तो एक बहुत ही कृपा की चीज है। साथ वाले कमरे से बात याद आई कि गुरुदेव की मैं मसाज यहाँ पे करता था जब बिल्कुल यमुना के सामने ही है ये कमरा गुरुदेव का, बिल्कुल साथ में है मेरा ये कमरा गुरुदेव का गोपीनाथ भवन में। तो मैंने एक गुरुदेव ने मुझे बोला देखो तुम बहुत बड़े तुमने बहुत प्रचार किया है इस कौन में, तो तुम यहाँ पे भी प्रचार करो ऐसा ही। मैंने कहा गुरुदेव मैंने ना अपने उन गुरु को उन्होंने मुझसे एक बात मांगी थी कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो, अब तुम नारायण महाराज के पास जा रहे हो ना तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो, क्योंकि मैंने वहां बहुत प्रचार किया था और स्वामी प्रभुपाद के तो हम ऋणी हैं और हमेशा ऋणी रहेंगे स्वामी प्रभुपाद के। तो उनके अनुयायी जितने भी हैं हम यही मानते हैं कि वो प्रभुपाद का कार्य कर रहे हैं, जिस तरह भी है जैसा भी चल रहा है, एक संस्था बहुत बड़ी है, किसी तरह से हरि नाम पहुंच रहा है, जिनकी सुकृतियां होंगी वो और आगे बढ़ेंगे, ये हम इस बात को मानते हैं और गुरुदेव ने इस बात को कई बार किया भी। तो मैंने गुरुदेव से इस बात को जब उनका यहाँ पे मसाज कर रहा था मैं, तो गुरुदेव को मैंने एक गुरुदेव ने मुझे बोला कहते हैं देखो तुम प्रचार करो। मैं गुरुदेव के पास 95 में आया, 1995 10 साल मैंने कोई प्रचार नहीं किया, सिर्फ गुरुदेव से सुना, क्योंकि जब मैं सुनता था मैं कहता था कि इतनी बातें हमें आती नहीं है, हम क्या प्रचार कर रहे थे, हम कौन थे, हमें अपने ऊपर हंसी आती थी और मतलब लज्जा भी आती थी कि कितना हम अहंकार में बैठे हुए थे, गुरुदेव के एक एक शब्द में कितनी गहराई थी, और जब यहाँ के धुरंधर बोलने लगते थे तो हमें लगता था अरे हम कुछ भी नहीं है इनके साथ। तो गुरुदेव ने मुझे बोला कि तुम प्रचार करो। गुरुदेव मैं ना उनको उन्होंने मेरे से गुरु दक्षिणा मांगी थी कि तुम एक गुरु दक्षिणा दो, जिनसे हमने दीक्षा ली वहां पे उन्होंने कहा क्या दक्षिणा दी तुमने। मैंने कहा उन्होंने कहा था कि आज के बाद तुम प्रचार मत करना, आज के बाद तुम ये किसी को भी प्रचार मत करना, ये गुरु दक्षिणा है मेरी। ये मैंने गुरुदेव को बोला, तब से मैंने प्रचार बिल्कुल नहीं किया, गुरुदेव मुझे बार बार बोलते थे। तो जब गुरुदेव ने 2005 में मुझे दोबारा बोला कि देखो तुम्हें प्रचार करना चाहिए, मैंने फिर वही बात इस बार जब मैंने ये बात दोहराई या नहीं पहली बार ही बोली गुरुदेव को, उन्होंने ऐसा जवाब दिया, उन्होंने मैंने बोला गुरुदेव मैं अपने गुरु को जो हमारे
दीक्षा जी उनसे लिया, उसके बाद तो मैंने गुरुदेव से कई बारी बैठ के मंत्र सुन लिए, मतलब कई बारी दीक्षाएं गुरुदेव से हो गई हमारी। जब भी दीक्षा होती थी तो हम घुस जाते थे, तो हम बोलते थे, तो हम कहते थे गुरुदेव हमने सुना है दोबारा सुना है, गुरुदेव थे वही मंत्र दोबारा सुना देते थे और फिर उसका मतलब फिर सुना देते थे। उसके हिसाब से तो हमने कई बार गुरुदेव से दीक्षाएं ले ली है, क्योंकि वो मंत्र को सुनना और उसके बाद उन मंत्रों के मतलब समझना, एक ऐसे आचार्य के मुख से बार बार हमने सुना। तो गुरुदेव ने मुझे बोला कहते तुम प्रचार क्यों नहीं करते हो, तो मैंने जब इस बात को बोला तो गुरुदेव कहते हैं तुम्हें पता है चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, चारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होई तार एई देश, ऐसे कुछ एक श्लोक है ना, तैयार है ये। तो ये कौन सा गुरु हमारी इस संप्रदाय में आ गया जो कहता है प्रचार मत करो, ये गुरुदेव ने बोला मुझे, ये कौन सा गुरु है जो कहता है प्रचार मत करो, वो हमारी परंपरा में नहीं आएगा। अगर वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा तो ये कहती है कि जारे देखे तारे कहो, जहां देखो वहीं पे प्रचार शुरू कर दो। उस दिन के बाद फिर मैंने प्रचार शुरू किया गुरुदेव की। हम कई जगह हम गए, बस्तियों में गए, क्योंकि मठ बन चुके होने पर भी लोग नहीं थे, तो हमने कई बस्तियों में गए, कई प्रचार करे। तो हमें एक आया, गुरुदेव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे उस एरिया में एक बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा हो। ये गुरुदेव ने ऐसी बोला, मैंने कहा कि ये तो कैसे होगा, मेरे को तो पता नहीं है ये इतनी बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा गुरुदेव बोल रहे। लेकिन आप यकीन मानिए 2007, 2008, 2009 इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं, वहां पे हजारों लोग इकट्ठे होना और कम से कम 100-100 बसें, ये गुरुदेव ने कराया। अगर आज हम चाहें ये हो ही नहीं सकता, ये गुरुदेव की ऐसी कृपा थी कि इतना बड़ा उन्होंने ये प्रोग्राम जो करा दिया। और ये जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, जहाँ पे 10 साल हमने नहीं किया था, तो ये गुरुदेव ने करवाया। तो जब मैं इस कमरे में गुरुदेव के पास मसाज, मुझे याद आ रहा है वो दिन, बिल्कुल साथ का कमरा है, 1 फुट दूर नहीं है उनका दरवाजा और ये वाला दरवाजा, गुरुदेव की वहां पे सेवा होती है। तो मैं सुबह सुबह बड़े सारे अखबार लेके आया, वृंदावन में थे तो, और फोटोज लेके आया गुरुदेव उसमें रथ यात्रा में, बड़े बड़े लोग आए, नेता आए, गुरुदेवी करवा रहे थे, तो गुरुदेव देख के कितने खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैंने गुरुदेव को खुश, उनकी हंसी, उनका जितना जितने वो आनंद में थे, उसके बाद जो मैंने अखबारें उनको दी, वो देख रहे थे किस किस अखबार में कैसे आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ऐसा गोरिया मठ में इतना लोग इकट्ठे देखे नहीं कभी, गुरुदेव ने खुद करवाया। हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, ये आप यकीन मानो, अगर आज हम करना चाहें, मैं कह रहा हूँ हम 5 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, ये गुरुदेव थे जिन्होंने ऐसा कर दिया, हमें खुद नहीं समझ आए कि ये कहाँ से। तो ये है एक आचार्य, एक आचार्य खुद अपने आप को प्रकट करता है। तो देखो आचार्य क्या करता है, अपने हृदय में बड़े सारे मठ इकट्ठे करके रखता है। कैसे उन्होंने उसी 2-4-5 साल में कितने मठ, जो उन्होंने बोला कि मैं मठों के लिए नहीं आया हूँ, मैं गुरुदेव के लिए आया हूँ अपने। और अगर जिस दिन मुझे ये लगेगा कि ये मठ मेरी भक्ति में खलल डाल रहे हैं, मैं इन मठों को छोड़ दूंगा। मैं सोच रहा था कि सारे तो मठ वाले हैं यहाँ पे, किनको बोल रहे हैं महाराज की, ये सारे लोग मठ से भाग जाएंगे अगर महाराज ऐसे बोलेंगे तो, जितने भी मठ वाले चल रहे थे, ब्रह्मचारी हो गए, सन्यासी, ये सब चले जाएंगे, गुरुदेव तो ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही हमने देखा कि गुरुदेव ने ये लीला करी है। तो समय हो गया है और मैं आप सब लोगों का बड़ा आभारी हूँ। समय तो है बहुत, किंतु मतलब ठीक है हमारा मन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रभु जी ने बहुत संग किया है और फिर कभी मौका देंगे आप तो मैं जरूर फिर से बोल दूंगा। और इस प्रोग्राम करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये पक्का यकीन है कि गुरुदेव की संतुष्टि के लिए आप जिस तरह हमारे हृदय से जो पुरानी बातें जो कभी याद नहीं रहनी थी और मेरे को भूल जानी थी, आज आप सब लोगों के सामने करी है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें कि हम इसमें जो भाव वो देने आए हैं, मूल वो है कि हम उन भावों में डूब सकेंगे क्या, वो तो ही वास्मिन कर सकेंगे क्या, वो गुरुदेव के आंसू का मतलब समझ सकेंगे, उसके अंदर कौन सा संबंध गुरुदेव का, वो कौन सी लीला देख रहे थे, ऐसा हो सकेगा। ये हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आज वो कब कोई कंधा मेरा पकड़ेगा, वो जो मेरे को खींच के अपनी तरफ लेके आएगा, वो हाथ कहाँ है,
आज वो हाथ नजर में ही आ रहा है। आप गुरु भाई लोग सब मेरे कंधों पे हाथ रख के मुझे खींच लीजिए, मैं माया में ना पड़ जाऊं। और गुरुदेव के वो हाथ मुझे याद आते हैं जब उन्होंने मुझे खींच लिया था अपनी तरफ, उधर मत देखो और तुमने भजन करना है। आज वो हाथ मुझे मेरे गुरु भाई और गुरु बहने सब मेरे पे कृपा करें कि हम भजन कर सके, उस ब्रज के अंदर उस प्रवेश हो सके। वो त्वयि वास्मिन क्या था, वो त्वयि वास्मिन करके गुरुदेव रघुनाथ दास गोस्वामी के आंखों में से जो आंसू झरझर निकल रहे थे, मैंने ऐसे आंसू देखे नहीं है। उनके मुख पे कुछ ऐसा था कि आंखों में से कोई मुंह नुचर नहीं रहा था। क्या उनके उनकी उनकी जो लाइट थी जिसको कह सकते हैं वो, क्योंकि मैं साइड में बैठा था और हो सकता है सूरज का उधर लिशकारा था क्या था, ऐसे करके ना पूरी नहर निकल रही है। वो त्वयि वास्मिन मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं किसी की हूँ। ये है धरती मंजरी और ये रूप मंजरी का भाव। अगर हम इस भाव में नहीं आ सके प्रभु तो बेकार हो जाएगा सारा। जितनी गुरुदेव की हमारी बातें हैं ये तब तक है जब तक हमें वहां तक पहुंचा रही है। हमारा यही यही हमारा लक्ष्य है, इसी के अंदर पहुंचना है। ये स्तवावली स्तव माला जब तक हम इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे हम गुरुदेव को नहीं समझ पाएंगे। गुरुदेव ने बार बार इस बात को करा, हमने देखा कि आप जब भी गुरुदेव कोई गुड़ बात करनी शुरू करते थे तो बोलते थे अपने भजन की उपलब्धि से सब लोग उसको हासिल करेंगे लेंगे, जितनी जितनी जिसकी भजन की उपलब्धि है वो सब उसमें समर्थ होकर अंदर जाएंगे। ये गुरुदेव यहां तक छोड़ देते थे क्योंकि जनरल पब्लिक में कितने तरह के लोग कैसे थे। तो आप सब भक्तों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ कि जिस कार्य के लिए हम निकले हैं भाई हमें वो राधा दास्यम चाहिए, वो गुरुदेव के उस भाव में गुरुदेव ने हमें बोला कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उस कुंज के बाहर, तुम आओ और हमारे साथ सेवा करो। और वही भाव लेके हमने वो नवद्वीप में एक साधक ब्रह्मचारी के रूप में हम गुरुदेव के साथ रहते उस श्रीवास आंगन में, उस चैतन्य महाप्रभु की उस लीला घर में आंगन में, उस योग पीठ पे जहाँ पे हमारे गुरुदेव एक साधक के रूप में और हम एक ब्रह्मचारी साधक के रूप में गुरुदेव के साथ खड़े हैं और चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंदर प्रवेश करके और स्वरूप दमोदर उस आंगन में चैतन्य महाप्रभु को सुना रहे हैं, उस ब्रज के भाव को बार बार सुना रहे हैं। कब ऐसा होगा कि हम इन दोनों लीलाओं में प्रवेश करना है प्रभु, और ये गुरुदेव ने हमें सिखाया है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वंचार कल्पतरु निराश कृपा सिंधु गति बचा पतित नाम पावे भयो वैष्णवेभ्यो। रोहित नंदन प्रभु जी के ऐसे भाव उद्गार को सुन के हृदय एकदम प्रफुल्लित हो गया। और मैं सच बात कहूं, आप जैसे गोष्ठानंदी प्रचारक जो हैं, गुरुदेव के क्या चमत्कार पड़ी कि बिल्कुल भजनानंदी और वो भी विशेष करके गुरुदेव के भाव के भीतर डूबने की इतनी लालसा जग गई। मतलब ये सब देख के बड़ी मतलब मन में लालसा भी है, प्रसन्नता भी है, और विशेष करके आप पर गुरुदेव की कितनी कृपा है कि आप दिन रात देखो इसी में डूबे हुए हो और सारा कुछ त्याग के वृंदावन में वास करना ये कम मतलब सौभाग्य की बात नहीं है। सब लोगों पर आप कृपा करो ताकि हम लोग भी कुछ कुछ आप रसास्वादन वहां बैठे बैठे और वो भी विशेष करके रासस्थली में और विशेष करके श्री गुरुदेव के भजन कुटी के सानिध्य में जो श्री भजन राज्य में प्रवेश करने के लिए आपकी जो लालसा है हमारे भीतर भी वैसे ही लालसा जगे। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहा आज श्री रोहिणी प्रभु जी से हमने बहुत ही पुरानी और सुंदर सुंदर बातें सुनी, और विशेष करके रोहिणी प्रभु का तो रोज ही मॉर्निंग वॉक में जाना, श्री गुरुदेव से विशेष विशेष प्रश्न पूछना, ये इनका बड़ा सौभाग्य रहा। जो मालिश की बात कही प्रभु जी ने, मैं स्वयं देखा प्रभु जी कार्तिक के समय में आते थे, वैसे तो मतलब बहुत सारे लोग वहां होते थे, फिर भी गुरुदेव जो है रोहिणी प्रभु को स्पेशल रूप से चरणों की सेवा देते थे, सब सेवा देते थे, इतना प्रेम रखते थे, और सब समय इनसे कहते थे ये बात जरूर कि प्रचार करना है ना। तो गोवर्धन में विशेष करके जब वो टहलते थे बार बार इनको फिर बुला के मतलब कहते थे कि जा करके मतलब प्रचार करना, और श्री रोहिणी प्रभु ने भी वैसे ही किया टीवी में भी इसमें भी, और कई ब्रह्मचारियों की भी लाया फिर प्रभु जी ने,
अमल प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु, ये सारे लोग देखो कितना योगदान दे रहे हैं। दूसरे रोहिणी प्रभु जैसे ही हैं सारे के सारे। और प्रभु जी ने बड़ी मतलब बड़ी सारी बातें कही, बड़े सिद्धांत की भी बहुत सारी बातें कही। मैं बस थोड़ी सी एक बात मैं कहना चाहूंगा जो जो चर्चा का विषय रहा है लंबे मतलब समय से, जो प्रभु जी ने मतलब छेड़ा है कि वाणी और प्रभु की बातें, तो प्रभु जी ने कहा है कि वाणी का सचमुच में हमको समझना है, केवल वपु तक ही नहीं रहना है। देखो इसका तात्पर्य हरे कृष्णा, इसका तात्पर्य ये है कि केवल वपु सेवा करने से यदि गुरुदेव के अंतरंग भाव को नहीं समझ पाएंगे फिर तो पूर्ण रूप से नहीं हुआ। दूसरी ओर वाणी सेवा का मूल लक्ष्य क्या है कि उनके अंतरंग भाव को समझ करके साक्षात भावना के साथ वपु सेवा में लग सके, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने भी जैसे प्रार्थना की थी, चिरूपमंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठिन नंदन बुजार्पित मस्तकाया हा मोदत कनक गोरी पदारविंद संवाहन निशनकै स्तव किं करिष्ये। वास्तव में ऐसी चरणों की जो सेवा है साक्षात वही तो लक्ष्य है। वपु यानी साक्षात चिन्मय अपराकृत देह की सेवा ही हमारा लक्ष्य है। किंतु यदि गुरु के पास जाकर के यदि हम उनकी वाणी यानी उनके मनोविष्ट उनके मनोभाव को नहीं समझेंगे तो वास्तव में उनको समझना नहीं होगा, फिर वपु सेवा केवल केवल मात्र बाह्य सेवा के रूप में रह जाएगा और आंतरिक और अंतरंग रूप से सेवा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसको इस प्रकार से हमको समझना है कि वाणी जो है थ्योरेटिकल है जिसको हमें समझना है, और वपु है वो हमारा लक्ष्य है, मतलब वो हमारा प्रैक्टिकल चीज है, वो हमारा लक्ष्य है कि हम उस भावों को समझ करके वैसी साक्षात श्री गुरु को गुरु की सेवा पहले और श्री गुरु की कृपा से यहाँ ट्रेनिंग लेते लेते वहां साक्षात राधा कृष्ण की राधा जी की साक्षात सेवा की प्राप्ति, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए इन तत्वों को हमें मतलब कि समझना है। केवल वाणी में रहोगे वपु नहीं होगा तो प्रैक्टिकल होगी नहीं चीज, ये सब आपकी सारी वाणी किसके लिए है? वपु की सेवा के लिए ही तो है ना। किंतु वपु की सेवा आप केवल बाहरी रूप से किया किंतु गुरुदेव के मनोभीष्ट को आंतरिक भावना को नहीं समझोगे तो फिर बाह्यत ही सेवा रह जाएगा, भीतर हम प्रवेश कर ही सकेंगे नहीं। तो इसलिए इन सब तत्वों को भी धीरे धीरे समझना है, किंतु समय ज्यादा नहीं है तो इसलिए संक्षेप में मैंने इस बात का समाधान करने का प्रयास किया है। और कल भी हम लोग जो हैं पूजनीय श्री रागलेखा दीदी से हम लोग गुरुदेव के बारे में सुनेंगे। आप सभी लोग फिर दोबारा इसी समय जुड़े रहिएगा। और परसों से 6 तारीख से गुरुदेव के विरह तिथि और श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग 3 दिन की सभा हम लोग रख रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन है 2 घंटे की सभा होगी, उसमें दो दो फिर वक्ता लोग होंगे और विषय वस्तु टॉपिक होगा गुरुदेव का अवदान वैशिष्ट, अतः गुरुदेव ने जगत को क्या दिया है, तो इस विषय पर चर्चा हो। गौर प्रेमानंदे हरि।